तो प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले हम नेक्स्ट जेएस 13 का जो है डॉक्यूमेंटेशन एक बार देख लेंगे। अगर आप सिंपल गूगल भी करेंगे नेक्स्ट जेएस तो आपको फर्स्ट लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना तो कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस देखने मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी नेक्स्ट जेएस 13 जो है स्टेबल में भी है, प्लस कुछ फीचर्स जो है अभी एक्सपेरिमेंटल है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फीचर्स का भी यूज कर लेंगे। तो एक स्टेप बैक आते हैं और डायरेक्टली हम क्या करेंगे यहाँ पर सर्च करेंगे नेक्स्ट जेएस 13 डॉक्स, क्योंकि इसके लिए हमको जो बीटा लगेगा देख सकते हैं आप यहाँ पर इसकी लिंक beta.nextjs.org, इस पर क्लिक करिए। यहाँ से आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको क्लियरली एक मैसेज देखने मिल जाएगा कि ये स्टिल जो है कुछ फीचर्स इसके भी बीटा स्टेज में है और कुछ फीचर्स जो है स्टेबल है। तो हम क्या करेंगे सेम इसी डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे और नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, क्या क्या चीजें इसके अंदर न्यू है और पहले क्या यूज होती थी। तो ये सारी चीजें आप कंपेयर कर सकते हैं। हम डायरेक्टली जो है प्रोजेक्ट बनाएंगे और साथ ही में सारी चीजें देखते रहेंगे। तो यहाँ से आपको इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है और इसके लिए रिकमेंडेड है कि आपको नोड जेएस का वर्जन 16.8 या फिर उससे हायर वर्जन होना चाहिए। जैसे कि अगर हम अभी चेक करेंगे ना नोड जेएस डॉट ओ आर जी पर विजिट करिए, यहाँ पर लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है 18.15। तो मेक श्योर आप भी क्या करें, सबसे पहले चेक कर ले अपने सिस्टम में कौन सा नोड का वर्जन इंस्टॉल है। जैसे कि कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेता हूँ, अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो आप टर्मिनल ओपन करिए और यहाँ पे आपको लिखना है node-v। तो मेरे पास है 18.14। अगर आपके पास ओल्ड वर्जन रहेगा यानी कि 16 से नीचे का कोई भी वर्जन आपके पास है तो आप इसको जो फिर से डाउनलोड कर लें। डाउनलोड बहुत सिंपल है, सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करिए और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे टेक्स्ट एडिटर के लिए जो है VS कोड का यूज करेंगे। सभी प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है और जावास्क्रिप्ट के लिए सबसे बेस्ट टेक्स्ट एडिटर ये अभी के टाइम पे है। इंटेलिजेंस अच्छा है, डीबग कर सकते हैं, गिट का सपोर्ट है और एक्सटेंशन काफी ज्यादा इसमें मिल जाते हैं। तो हम इस टेक्स्ट एडिटर का यूज करने वाले हैं। अगर आपको अदर कोई टेक्स्ट एडिटर यूज करना है तो आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसके लिए एक ऑप्शन आपको मिलता है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन का। तो यहाँ से इस कमांड को आपको कॉपी कर लेना है npm create dash next dash app @latest उसके बाद में एक्सपेरिमेंटल ऐप। तो इस कमांड को आप कॉपी कर लेंगे और आपको फोल्डर में जाना है जहाँ पे भी आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है। जैसे कि मैं एच ड्राइव के अंदर क्रिएट करूंगा तो इस पाथ को मैं क्या करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूआरएल में लिखूंगा cmd, तो ऑटोमेटिकली ये पाथ कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको पेस्ट कर देंगे और इसके बाद में आपको एंटर प्रेस करना है। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमको इंस्टॉलेशन के लिए पूछेगा, तो आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है यानी इसका मतलब यस है और हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद में प्रोजेक्ट का नाम जैसे कि हमारे केस में imdb, एंटर प्रेस कर लेंगे। उसके बाद में आपको पूछेगा आपको टाइप स्क्रिप्ट यूज करना है यानी, तो हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ नो कर लेता हूँ। उसके बाद में पूछेगा ESLint आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इस पर से क्या होगा हमको थोड़ा सा ये हाईलाइट कर देंगे हमारे कोड को अगर हम कुछ लिखना भूल गए या फिर और भी बहुत सारे सजेशन होते हैं तो इसकी मदद से हमको इजिली समझ में आ जाता है। तो यस पर क्लिक करिए। उसके बाद में सोर्स डायरेक्टरी के लिए बोलता है तो सिंपली यस कर देंगे, इसकी कोई खास जरूरत है नहीं मगर ये बाई डिफॉल्ट पूछ रहा है तो यस कर देंगे। उसके बाद में एलियस का आपको यूज करना है यानी, तो हम एलियस का यूज कर लेंगे, @ का हम यहाँ पर यूज करेंगे। एलियस क्या होता है बेसिकली हम एक न्यू फाइल में जो है पाथ डिफाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली जो है फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। पूरा पाथ हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट उसका शॉर्ट वर्जन यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर स्लैश भी यूज कर लेता हूँ, स्टार, तीनों को हम यूज कर लेंगे। एंटर प्रेस करिए और उसके बाद में देखिए यहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है एप्लीकेशन को क्रिएट होने में, तो तब तक आप वेट करिए। और जैसे ये क्रिएट हो जाएंगे ना तो हम इसको जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेंगे। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है imdb और इसकी जो डिपेंडेंसीज है वो अभी डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो चुकी है, चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर स्विच हो जाएंगे cd, फिर हमारे एप्लीकेशन का नाम है imdb, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। इसको क्लियर कर देता हूँ मैं पहले। और इसको हम क्या कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिखना है कोड स्पेस डॉट, इतना लिख के एंटर प्रेस करिए। तो ये प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली जो है विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप। और ये ओपन हो चुका है विजुअल स्टूडियो कोड में। और फोल्डर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पहले, ज्यादा कुछ इसमें हार्ड है नहीं। अंडरस्कोर नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है उसके अंदर जो है सारी डिपेंडेंसीज हमारे पास रहती हैं, प्रोजेक्ट की भी डिपेंडेंसीज और जो भी हम पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे उसकी डिपेंडेंसीज यहाँ पर ऐड हो जाती है। तो इसमें हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, बाई डिफॉल्ट सारी डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड होती है।
और जब हम बिल्ड देंगे ना तो इसका कॉम्प्रेस वर्जन हमको मिल जाता है। अभी इनिशियल टाइम पे इसका साइज ज्यादा रहेगा, लेटर जब बिल्ड देंगे ना डिप्लॉयमेंट से पहले तब जो है इसका साइज हमको काफी कॉम्प्रेस होके मिल जाएगा। उसके बाद में होता है पब्लिक फोल्डर। अब पब्लिक फोल्डर के अंदर हम जो है सारे एसेट्स रख सकते हैं। अब एसेट्स में क्या आता है, इमेजेस, वीडियोस, लोगोस और भी जो भी आपके पास फाइल्स हैं आप इसके अंदर रख सकते हैं और उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पब्लिक में यूज करेंगे, आप सोर्स में भी इसको बना के यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं सोर्स के अंदर, तो सोर्स के अंदर थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर चेंज आपको देखने मिलेगा क्योंकि हम यहाँ पर 13 यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट ईयर 13 में थोड़े से चेंजेस हैं। पहले राउटिंग जो है डायरेक्टली पेज बेस होती थी ना, अब ऐसा नहीं है, अब हमारे पास डायरेक्टली जो है यहाँ पर पेज का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि इस page.js फाइल को मैं ओपन करूंगा तो ये होंगी हमारी मेन एंट्री पॉइंट फाइल। जैसे कि मैं एप्लीकेशन को रन भी कर देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में चलते हैं और यहाँ से हम क्या करेंगे, मेक श्योर आप पाथ के अंदर हो, हमारे फोल्डर का नाम है IMDB और इसमें हम क्या करेंगे इसको रन कर देंगे। तो उसके लिए आपके पास कमांड होती है npm रन डेव कमांड। तो इससे क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन जो है आपका जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें लोकल होस्ट पोर्ट 3000 पे ये रन हो जाएंगी और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको जो है कंसोल पे इसके मैसेजेस देखने मिल जाएंगे। अगर आपके केस में ये ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होता है ना तो आप क्या करिए, ब्राउजर में जाइए और यहाँ पे लोकल होस्ट पोर्ट 3000 यानी :3000 मैनुअली सर्च करें तो भी आपकी एप्लीकेशन रन हो जाएंगी। देखिए फर्स्ट टाइम में ये कंपाइल होने में टाइम लगाती है, उसके बाद में यहाँ पर फास्ट रिफ्रेश हमको देखने मिल जाता है। देख सकते हैं आप अभी ये कंपाइल हो रही है और जैसे ये कंपाइल सक्सेस होगा ना तो हमको आउटपुट भी इसका देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कंपाइल हो चुका है, देख सकते हैं आप, टाइमिंग भी आपको बता देगा कितना टाइम इसने लिया और उसके बाद में कुछ इस तरीके से इसका डिफॉल्ट लेआउट हमको देखने मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, टोटली इसका लेआउट चेंज कर देंगे। पहले थोड़ा सा और फोल्डर स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसके अंदर देखिए API है। अब API से तो आपको समझ में आ रहा होगा इसमें क्या होगा, इसमें हम REST API क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट JS में हमको ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल भी है हेलो के अंदर routes.js का और इसके अंदर एक async फंक्शन है जिसमें रिटर्न किया हुआ है रिस्पॉन्स हेलो नेक्स्ट JS। तो अभी इसका कुछ भी काम नहीं है, जब हम REST API देखेंगे इसमें तो यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आइकॉन्स है, फिर ग्लोबल स्टाइल है, तो नॉर्मल CSS का यहाँ पे यूज किया हुआ है। हम इसको क्या करेंगे, टोटली चेंज कर देंगे, कट कर देता हूँ मैं, सेव, इस फाइल को क्लोज कर देंगे। उसके बाद में है लेआउट। लेआउट नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारी एप्लीकेशन का लेआउट क्रिएट कर सकते हैं इनकेस हमको हेड चाहिए या फिर जो भी मेटा डेटा हमको ऐड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मेटा डेटा बना हुआ है ना, तो इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे टाइटल हमारे पास शो कर रहा है क्रिएट नेक्स्ट टैब, तो इसको हम चेंज कर देंगे। हम यहाँ पे लिख सकते हैं IMDB क्लोन और उसके बाद में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि बाय टेक इन्फो YT, सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो इसका टाइटल चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं आप, IMDB क्लोन, और फिर मेटा डेटा भी चेंज हो जाएगा। अब डायरेक्टली मेटा डेटा विजिबल नहीं होता है, ये बिहाइंड द सीन सर्च इंजन के लिए होता है, या फिर आप इसको कोई एक्सटेंशन या फिर प्लगइन से भी चेक कर सकते हैं, मैं इसको नहीं दिखाने वाला, आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा। इसके बाद में हमारे पास है पेज। पेज मैंने कहा ना हमारा मेन एंट्री पॉइंट फाइल होता है। जैसे कि मैं इसमें से सब कुछ रिमूव कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ सब कुछ और एक मेन फाइल हमारे पास बची हुई है और इसके अंदर कुछ क्लास है, क्लास नेम को भी मैं रिमूव कर देता हूँ और मेन के बदले इसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली एक H1 प्रिंट करा देता हूँ, H1 माई IMDB क्लोन, एक H1 मैंने इसमें ऐड कर दिया, सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सी हेडिंग है माई IMDB क्लोन, प्रीवियस जो भी स्टाइलिंग या फिर उसके अंदर CSS अप्लाई थी वो सब कुछ रिमूव हो चुका है और यहाँ पर देखिए फॉन्ट भी इसमें ऐड किया हुआ है, तो आप कुछ इस तरीके से फॉन्ट भी यूज कर सकते हैं। हम मैनुअल बाद में जो है इसमें रोबोटो फॉन्ट जो है ऐड कर देंगे और इमेजेस का इंपोर्ट है, तो मैं क्या करता हूँ ये सारे इंपोर्ट्स जो है ना रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। हम टेलवेंट CSS का इसमें यूज कर लेंगे और वो भी देखेंगे कैसे यूज होता है। सो यहाँ से फॉन्ट्स मैं रिमूव कर लेता हूँ, नॉर्मल हमारे पास एक H1 है माई IMDB क्लोन करके। उसके बाद में अगर आप देखेंगे नीचे हमारे पास एक CSS की फाइल है page_module.css, इसमें सारा का सारा कोड है तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, अभी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ इसको कट कर देता हूँ, सेव। उसके बाद में हमारे पास एक फाइल है ESLint.rc.json फाइल, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं फर्दर कस्टमाइज कर सकते हैं लिंटर को, क्या चीज आपको चाहिए या फिर कुछ पैकेज से रिलेटेड इशू आता है या फिर स्ट्रिक्ट मोड आपको इसमें देखना है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर इसको कॉन्फिगर कर सकते हैं। लेटर देखेंगे जब हमको इसमें जरूरत पड़ेगी ना तो इसमें हम चेंजेस करेंगे। इसके बाद में गिट इग्नोर की फाइल, तो गिटहब पे आपको अगर पुश नहीं करना है तो ये सारी फाइल्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं।
मोस्ट कॉमन आपने देखी होंगी फाइल डॉट ई एन वी की फाइल, और यहाँ पर नोड अंडर स्कोर मॉड्यूल की फाइल, तो डॉट ई एन वी की फाइल भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी यूज नहीं करेंगे तो बाद में देखेंगे इसको भी। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको प्रिवेंट करना है गिटहब पर अपलोड होने से अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल फाइल को, तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है जेएस कॉन्फिग डॉट जेएसएन, इसमें हमारे पास रहेंगे सारे एलियस जो हमने यस किया था ना, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं एलियस को जो है क्रिएट कर सकते हैं, देखेंगे हम इसको भी आगे बाद में। उसके बाद में नेक्स्ट जेएस की कॉन्फिग्रेशन आप कर सकते हैं, जैसे कि बाई डिफॉल्ट हम एक्सपेरिमेंटल फीचर यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐप डायरेक्टरी को इसने ट्रू कर दिया। उसके बाद में पैकेज लॉग जेसन डिपेंडेंसी, इसकी डिपेंडेंसी यहाँ पर शो करती है, और हम जो भी डिपेंडेंसी या फिर हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो रहेंगे हमारे पास पैकेज जेसन की फाइल में, जैसा कि आप देख सकते हैं रिएक्ट डॉम, फिर नेक्स्ट जेएस का वर्जन क्या है, ईएस लिंट का वर्जन क्या है, और स्क्रिप्ट्स भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड मोर डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लास्ट में रीडएमडी की फाइल है, तो आप इसको कट कर सकते हैं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं, अपने पास सेव कर लेते हैं, बाद में इसको अपडेट करेंगे जब हम प्रोडक्शन बिल्ड देंगे ना, जब मैं आपके लिए इंस्ट्रक्शन इसमें लिख लूंगा। सो आई होप बेसिक आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट जेएस 13 क्या है। अगर आपको 12 या फिर प्रीवियस वर्जन नहीं पता कैसे काम करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लेटर तो 13 ही यूज होने वाला है। इसमें जो भी चेंजेस है आप उसको जो है इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर देख सकते हैं, या फिर गूगल भी करेंगे डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट जेएस प्रीवियस वर्जन और लेटेस्ट 13 वर्जन, तो आपको इजीली डिफरेंस देखने मिल जाएगा। और गेट स्टार्ट पर भी अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो भी स्टार्ट में आपको पता चल जाता है क्या क्या चीज़ें इसके अंदर न्यू है और क्या बीटा में है और क्या स्टेबल है। स्टेबल तो हो जाएगा अभी, और थोड़े से टाइम में ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट मेन फीचर्स देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में ये वीडियो देखेंगे तब भी आप जो है इजीली इसको कर पाएंगे। सिर्फ एक और फर्क क्या रहेगा उसके, आपको जो है आगे एक्सपेरिमेंटल ऐप लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, सिंपल आप npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट लिखेंगे तब भी सारे फीचर्स काम करेंगे, लेकिन फिलहाल करंट में जो है यानी मार्च के मंथ में अभी ये स्टिल एक्सपेरिमेंटल है। और भी अगर आपको नेक्स्ट 13 के बारे में जानना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें राउटिंग सिस्टम चेंज है थोड़ा सा, फिर उसके बाद में रेंडरिंग में भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया हुआ है, डेटा फेचिंग के अंदर भी चेंजेस है। तो हम क्या करेंगे वन बाय वन देखेंगे सारी चीजें, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड देखेंगे, डायरेक्ट प्रोजेक्ट की मदद से देखेंगे, तो समझ में भी आ जाएगा आपको। और अगर आपको फर्दर जानना है, तो आप गूगल करके स्पेसिफिक जो चीज़ आपको चाहिए उससे रिलेटेड आप जो है क्यूरी वहां पर सर्च कर सकते हैं, और आपको डिजायर रिजल्ट भी मिल जाएगा। सो आई होप आपको जो है बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे हमारे प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर टेलविन सीएसएस को हमारी एप्लीकेशन में इंस्टॉल करेंगे, तो चलिए पहले हम गूगल कर लेते हैं इसके लिए। यहाँ से हम सर्च कर लेंगे टेलविन सीएसएस, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए, और यहाँ से हम क्या करेंगे इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए गेट स्टार्ट पर क्लिक करिए, और इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर फ्रेमवर्क पर क्लिक करेंगे, फ्रेमवर्क गाइड्स, और हमारे पास है नेक्स्ट जेएस, और बहुत सारे लाइब्रेरीज के लिए ये अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं आप। अभी हम जो है नेक्स्ट जेएस पर काम कर रहे हैं, इसीलिए हम नेक्स्ट जेएस पर क्लिक करेंगे। तो इसके डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप देखेंगे ना, तो फर्स्ट इसमें आता है क्रिएट योर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन अपने पास पहले से अवेलेबल है, हम क्या करेंगे इसको इंस्टॉल करेंगे। देखिए सेकंड वाला मेथड हम फॉलो करेंगे, यहाँ से फर्स्ट वाला लिंक आपको कॉपी कर लेना है, npm install -d tailwind css पोस्ट सी एस एस और ऑटो प्रीफिक्सर यहाँ पर हमको इंस्टॉल करना है। चलते हैं एप्लीकेशन में और इंटीग्रेटेड टर्मिनल का यूज कर लेंगे, न्यू टर्मिनल, और यहाँ से हम क्या करेंगे इसको पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर आप डायरेक्टरी के अंदर हो, देखिए हमारे प्रोजेक्ट का नाम है IMDB, तो आपके प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी होनी चाहिए। इतना लिख के आप एंटर प्रेस करिए, तो ये पैकेजेस जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जब तक इंस्टॉल हो रहे हैं तब तक हम क्या करेंगे सेकंड वाला भी कॉपी कर लेंगे। चलते हैं वापस, उसके बाद में हमको देखिए इसको इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो npx की कमांड को भी आपको कॉपी कर लेना है, इसको कॉपी करेंगे, चलते हैं वापस, और प्रीवियस पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है, अब इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये भी पैकेज जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये सक्सेसफुली कॉन्फिगर हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसको कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक पोस्ट css और कॉन्फिग की फाइल जो है क्रिएट हो जाती है, जैसे कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे हमारे पास एक है टेलविन कॉन्फिग डॉट जे एस की फाइल, और एक हमारे पास है पोस्ट सी एस एस कॉन्फिग डॉट जे एस की फाइल, तो ये दो न्यू फाइल्स हमारे पास क्रिएट हो गए। मैं टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ पहले। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर जो है फॉलो कर लेंगे, नीचे जाना है आपको, देखिए थर्ड वाला, अब यहाँ पर टेम्पलेट का पाथ हमको सेट करना पड़ता है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं प्रीफिक्स का यूज कर रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे सिंपल देख इसी को जो है पूरा कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे जो न्यू फाइल क्रिएट हुई है ना नीचे टेलविन कॉन्फिग जे एस, इससे इसको रिप्लेस कर लेंगे, पेस्ट,
सेव कर लेते हैं इसको, और एक कॉन्फिग फाइल में चेंजेस कर रहे हैं तो हमको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। पहले नेक्स्ट प्रोसीजर भी हम देख लेंगे। चलते हैं वापस डॉक्यूमेंट में, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको बेस भी सेट करना पड़ता है। तो ग्लोबल सीएसएस की फाइल में हमको ये तीनों चीज़ों को ऐड करना है, इसको कॉपी कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और हमारे पास है ग्लोबल सीएसएस की फाइल, इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे सेव, और सारा सेटअप हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं और क्या बचा है। इसके बाद में हमको डायरेक्टली इसको रन करना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे सर्वर को रिस्टार्ट कर देंगे पहले। सो कट कर देता हूँ मैं इसको सीएलएस, और फिर से एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ npm run dev। तो हमारा सर्वर जो है फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, और जब तक रिस्टार्ट हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन देख लेंगे। सिक्स स्टेप में हमारे पास है, यहाँ पर डायरेक्ट हम इसकी जो है क्लासेस का यूज़ कर सकते हैं, और पूरा सेटअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में यहाँ पर कंपोनेंट्स मिलते हैं, आप इन कंपोनेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप एक्सप्लोर करें, आपको जो भी चीज़ें चाहिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करिए, कैसे यूज़ करना है सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्या क्या क्लासेस हैं, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से ज़रूर देखें। हम नॉर्मल सीएसएस इसमें यूज़ करेंगे, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम सारा कंप्लीट इसका यूज़ करेंगे, तो थोड़ा हमको भी आदत हो जाएगी इसकी। तो इसका सारा डॉक्यूमेंटेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। कंपोनेंट्स पर क्लिक करिए, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। हीरो सेक्शन, फीचर सेक्शन, CTA, बहुत से हमको रेडीमेड इसमें कंपोनेंट्स मिल जाते हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप साइड बाय साइड इसका डॉक्यूमेंटेशन देखते रहें। हम डायरेक्टली इसका यूज़ करने वाले हैं, और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा हम क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करेंगे। और यहाँ पर एक बार देख लेता हूँ, कंपाइल हो चुकी है, बिल्कुल यहाँ पर कंपाइल हो चुकी है। एप्लीकेशन को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये फॉन्ट भी चेंज होगा आई थिंक, रिफ़्रेश। और ये बीटा वर्जन है तो इसमें थोड़ा सा आपको जो है डिले देखने मिल सकता है, यानी आपके एप्लीकेशन जो है थोड़ा लेट कंपाइल होगी। देखिए यहाँ पे हमारा टेलविन सीएसएस जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, देख सकते हैं इसका जो है फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है। हम क्या करेंगे इसको जो है ना टेस्ट कर लेंगे एक बार, और इसके लिए एक एक्सटेंशन आता है उसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। पहले यहाँ पे हम सर्च करेंगे टेलविन, और ये रहा देखिए टेलविन सीएसएस इंटेलिजेंस ऑफिशियल, देखिए यहाँ पर टेलविन लैब वालों की तरफ से है, इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे ताकि थोड़ा हमको इंटेलिजेंस भी मिले। सो यहाँ से आपको इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है, तो जब भी आप कंट्रोल स्पेस करेंगे ना तो आपको इसमें सजेशन देखने मिल जाएंगे। तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है, कभी अगर ये काम नहीं किया तो आप जो है ना विजुअल स्टूडियो कोड को रिस्टार्ट कर लें। पहले हम टेस्ट कर लेंगे ये काम करता है नहीं। पेजेस, पेजेस के अंदर हम क्या करेंगे इस H1 को जो है ना क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम, और इसका कलर चेंज कर देंगे। सो टेक्स्ट डैश, फिर उसके बाद में कंट्रोल स्पेस करता हूँ, देखेंगे सजेशन शो करता है या नहीं। तो देखिए सजेशन बराबर से शो कर रहा है। हम इसका कलर चेंज करेंगे, जैसे कि इसको कर देता हूँ मैं रेड, और रेड जैसे किया तो देखिए सजेशन इसमें शो कर दिया। 500 कर देते हैं सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो देखिए इसका कलर जो है चेंज हो चुका है, ये अब हमको जो है रेड कलर में शो कर रहा है। और इसका टेक्स्ट भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसके बाद में मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट XXL, और आई थिंक ऐसी कुछ क्लास होती है, सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, तो देखिए इसका फॉन्ट साइज जो है चेंज हो रहा है बराबर से। तो सक्सेसफुली टेलविन सीएसएस हमारे एप्लीकेशन में जो है इंस्टॉल हो चुकी है, कॉन्फिगर हो चुकी है, अब इसका हम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है हेडर सेक्शन क्रिएट करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करेंगे हेडर सेक्शन क्रिएट करेंगे। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और हम क्या करेंगे src के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, और इसका नाम हम रखेंगे कंपोनेंट्स। इसमें सारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स हम ऐड कर देंगे, और यहाँ से आपको क्या करना है इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करना है, हेडर कंपोनेंट हम क्रिएट करेंगे। तो header.js, रिएक्ट का स्केलेटन कोड हम ऐड कर देंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, एक और एक्सटेंशन आता है ES7 करके, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ES7 करके आप सर्च करेंगे ना फर्स्ट पे ही आपको मिल जाएगा ES7 रिएक्ट रिडक्स रिएक्ट नेटिव स्निपेट। तो आप इसको भी जो है डाउनलोड करके रखें, यानी इंस्टॉल करना है आपको। तो इसका फायदा क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा RAFCE, तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। इतना लिख के मैं क्लिक कर दूंगा ना इस पे, तो देखिए स्केलेटन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। और इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले जो है ना एक H1 ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और इसको नाम दे देता हूँ मैं हेडर पेज सेव, और इसको हम जो है लेआउट में रैप कर लेंगे। तो लेआउट में क्या होगा, हम इस कंपोनेंट को जो है सभी के सभी जितने भी हम आगे चल के कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे ना उसमें कांस्टेंट रखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी वेबसाइट देखी होंगी, जैसे कि मान लीजिए ये टेलविन की वेबसाइट है, तो इसमें जो हेडर सेक्शन है ना वो कांस्टेंट है। तो हम भी क्या करेंगे इसी तरीके से कांस्टेंट नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे, और बाकी क्या चेंज होगा इसमें, जैसे कि मैं टेम्पलेट पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ जो है हमारा पेज जो है चेंज होगा,
बाकी जो हेडर सेक्शन है वो सेम रहेगा सभी मेन्यूज पर। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और इस चिल्ड्रन से पहले हम क्या करेंगे, इस हेडर वाले पेज को ऐड कर देंगे। मेक श्योर आप इसको इम्पोर्ट भी करें, सजेशन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए और कंपोनेंट ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलियस हमने यूज किया था ना, तो पूरे पाथ के बदले यहाँ पे एट द रेट का सिंटैक्स यूज होता है जो कि हमने इसमें डिफाइन किया था। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग में इसको ऐड कर देंगे, सेव। तो देखिए यहाँ पे बराबर से आ रहा है हेडर पेज, और उसके बाद में हमारे पास ये है माई आई एम डी बी क्लोन। और हम क्या करेंगे, इस पेज में से जो है ना इसको रिमूव कर देंगे, इसमें अभी कुछ भी नहीं रखना है अपने को, बाद में पेज पर काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हेडर जो है बराबर से ऐड हो चुका है, अब इसका हम यूज कर सकते हैं। इस H1 के बदले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना मल्टीपल डिव्स बना लेता हूँ, दो डिव्स बना लूंगा कॉपी पेस्ट। एक में हम क्या करेंगे, थोड़े से मेन्यू ऐड कर देंगे मेन्यू, और सेकंड वाले में जो है आइकॉन्स को हम ऐड कर देंगे सेव। और इनको क्लासेस की मदद से हमको अलाइन भी करना है, अभी देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा। देखिए मेन्यूज और आइकॉन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना एक रियूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। सो कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फाइल, और इसको हम करेंगे मेन्यू आइटम डॉट जे एस, और इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देंगे RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे, यानी एज अ प्रॉप हम इसमें कुछ चीज़ें गेट करने वाले हैं, जैसे कि टाइटल, उसके बाद में लिंक का एड्रेस, उसके बाद में आइकॉन हम यहाँ पर गेट करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सो इस डिव के बदले सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म हम ऐड कर देंगे फ्रेगमेंट का, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिंक का यूज करता हूँ। और ये लिंक हम कहाँ से यूज करेंगे, इसको हम नेक्स्ट जेएस में से यूज करने वाले हैं, नेक्स्ट स्लैश लिंक। तो नेक्स्ट जेएस के अंदर हमको अलग से सेपरेटली राउटिंग की लाइब्रेरी जो है डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली हम इस नेक्स्ट लिंक का यूज कर सकते हैं। और इस लिंक के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले href पास करा देंगे जिसकी मदद से हम इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। सो href, और हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला रखेंगे, होम के ऊपर ही रख देते हैं। सो empty फॉरवर्ड स्लैश हम इसमें कर देंगे, और यहाँ पर डायनेमिक भी कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं प्रॉप्स को। तो इस empty स्लैश के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एड्रेस पास करा देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है एड्रेस, और इस लिंक के अंदर हम क्या करेंगे, आइकॉन को भी ऐड कर देंगे। सो आइकॉन सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर एक p टैग मैं ऐड कर देता हूँ, पैराग्राफ टैग, जिसके अंदर हम जो है टाइटल शो कर देंगे। सो आपको लिखना है टाइटल, सेव कर लेते हैं इसको। और हेडर जेएस में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। सो इस मेन्यू वाले में अब हम क्या करेंगे, मेन्यू आइटम का यूज कर लेंगे। सो मेन्यू आइटम, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। सेल्फ क्लोजिंग टैग, अब इसके अंदर हमको जो है टाइटल को पास कराना है। सो आप लिखेंगे टाइटल, और टाइटल हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो है होम के लिए कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास है एड्रेस, और एड्रेस में हम क्या करेंगे, इसको जो है रिडायरेक्ट करेंगे होम पेज पे। तो एम्प्टी फॉरवर्ड स्लैश रहेगा, उसके बाद में आइकॉन्स, और आइकॉन के लिए हम क्या करेंगे, रिएक्ट आइकॉन का पैकेज जो है इंस्टॉल कर लेंगे। तो आप npm js पे सर्च कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी जो है सर्च कर सकते हैं रिएक्ट आइकॉन्स, तो काफी पॉपुलर पैकेज है, देखिए आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करिए। इसमें हमको सारे आइकॉन्स के पैकेजेस मिल जाते हैं, यानी जो छोटी छोटी लाइब्रेरी से आइकॉन की, इसमें सारे मिल जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, और इंटीग्रेटेड टर्मिनल का आपको फिर से यूज करना है। इस पैकेज को भी हम इंस्टॉल कर लेंगे, और इसमें से जो है आइकॉन्स को हम यूज करने वाले हैं। सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेंगे, npm install react dash icons। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है हम क्या करेंगे, आइकॉन्स को एक्सप्लोर कर देंगे, और यहाँ से हम होम के लिए सर्च कर लेंगे। तो आपको यहाँ पर होम के लिए सर्च करना है, बहुत सारे रिजल्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, और इनमें से कोई भी आइकन का आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो ये आइकन जो है कॉपी हो जाएगा। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और ये स्टिल डाउनलोड हो रहा है, वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। और यहाँ पे ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, इसको कट कर देता हूँ मैं, और टॉप पे हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे कुछ चीजें, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकॉन्स, और उसके बाद में स्लैश लाइब्रेरी का नाम हमको बताना पड़ता है। तो अभी AI में से हमने कॉपी किया है, इसीलिए हम AI लिख देंगे स्लैश, और फिर आइकन को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और आइकॉन्स के अंदर हम क्या करेंगे, एज अ प्रॉप में हम क्या करेंगे, इसको पास करा देंगे। सो यहाँ पे आपको इसको डायरेक्टली पास करा देना है, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, और यहाँ पर हमारे पास एरर है, चेक कर लेते हैं कहाँ पे आ रहा है, मैचिंग डिव का कुछ तो भी ऑप्शन आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर मल्टीपल डिव्स हम यूज कर रहे हैं ना, इसके बदले फ्रेगमेंट यूज कर लेंगे, फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज कर लेंगे सेव। और यहाँ पे हमारे पास देखिए आइकॉन्स आ चुका है, लेकिन स्टिल हमारे पास एरर आ रहा है, देख लेते हैं, सेम हाइड्रेशन का एरर है। तो आई थिंक ये पी टैग की वजह से हो रहा होगा, यहाँ पे हमने पी टैग लिखा है ना, तो इसके बदले मैं इसको स्पैन में कन्वर्ट कर देता हूँ, स्पैन, सेव कर लेते हैं इसको। और लेआउट में कुछ है क्या इशू, चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट हेडर हमने यूज किया हुआ है,
और यहाँ से हेडर को मैं कट कर देता हूँ और बॉडी के अंदर इसको पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। और चिल्ड्रन को भी क्या करता हूँ मैं, मेन टैग के अंदर जो है ऐड कर देता हूँ। सो मेन टैग, और इस मेन टैग के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे, सेव। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए अब कोई भी एरर अपने पास नहीं है, वो सारा एरर भी जा चुका है, जो भी हाइड्रेशन का एरर आ रहा था ना वो रिमूव हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये H1 भी बराबर से शो कर रहा है। उसके बाद में हमारे पास आइकॉन है, फिर यहाँ पर होम है, और फिर आइकॉन्स है। और इन दोनों को हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन के हिसाब से जो है चेंज करेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, एक और मेन्यू क्रिएट कर लेंगे। मेन्यू आइटम के अंदर मैं क्या करता हूँ, हेडर के अंदर हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और सेकेंड वाला हम रखेंगे अबाउट के नाम से। तो अबाउट, और इसको हम रिडायरेक्ट करने वाले हैं अबाउट के पेज पे। और आइकॉन भी हम अबाउट के लिए जो है ऐड कर देंगे। सो सर्च कर लेते हैं एक न्यू आइकॉन, इसको हम कर देंगे इन्फो, और AI फिल इन्फो है ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे इसके बाद में कॉमा लगा के पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी इसको पेस्ट कर देंगे, सेव। चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। और ये रही हमारी एप्लीकेशन, तो देखिए बराबर से शो कर रहा है होम एंड अबाउट। और इसको हमको थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा, अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। सो नॉर्मल स्टाइलिंग हम इसमें ऐड कर देंगे। इस लिंक के अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लास नेम ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम। और इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू मार्जिन दे देंगे। सो MX मैं इसमें कर देता हूँ 4, और LG पे टारगेट करेंगे, यानी लार्ज डिवाइस पे डायरेक्टली हम टारगेट कर सकते हैं कोलन की मदद से। तो यहाँ पे लार्ज पे हम क्या करेंगे, इसको MX 6 कर देंगे, और इसके होवर पे भी हम क्या करेंगे, इसको कलर दे देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट डैश एम्बर कलर, यहाँ पर हम यूज करेंगे क्योंकि IMDb क्लोन में भी सेम चीज यूज की हुई है। और इसको हम कर देंगे 500, या फिर और डार्क कर लेते हैं, इसको 600 कर देंगे हम। सेव कर लेते हैं एक बार और देखेंगे कैसा दिखता है, चलते हैं एप्लीकेशन पर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हवर इफेक्ट भी मिल रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ मैं इसको। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको जो है हवर इफेक्ट भी मिल रहा है बराबर से। और इसको हम क्या करेंगे, आइकॉन को भी जो है थोड़ा सा क्लास दे देता हूँ मैं, क्लास नेम। इसको कर देंगे हम टेक्स्ट डैश डबल XL, और स्मॉल डिवाइस पे जो है ना इसको हिडन कर देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं हम MX 2, सेव। चेक करते हैं एक बार, तो ये लार्ज स्केल पे हमको दिखाई नहीं देगा, आइकॉन देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा जो है ना रिस्पॉन्सिव बना के देख लेंगे। तो देखिए इसका साइज डिक्रीज करेंगे तो ये बराबर से हमको दिखाई देगा, और इसका अपोजिट हम टाइटल पे ऐड कर देंगे। सो टाइटल के स्पैन में क्लास नेम, इसको इनिशियली हिडन कर देंगे, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्मॉल डिवाइस पे इसको शो कराएंगे। सो SM, SM के बाद से हम इसको डिस्प्ले करा देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है इन लाइन, और थोड़ा सा मार्जिन भी दे देता हूँ मैं Y एक्सिस पे, 2 का मार्जिन दे देंगे हम। उसके बाद में इसको जो है टेक्स्ट कर देंगे हम SM, सेव कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, देखिए होम अबाउट। और इसको हम क्या करेंगे, स्मॉल स्क्रीन पर देखेंगे, तो देखिए स्मॉल स्क्रीन पे हमको सिर्फ जो है आइकॉन्स नजर आएंगे। तो परफेक्टली ये फंक्शनैलिटी काम कर रही है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हेडर पेज में जाएंगे और इन आइकॉन्स पे भी काम कर लेंगे। इसमें भी मैं लिंक टैग को ऐड कर देता हूँ, मेक श्योर इसको भी इंपोर्ट कर दें फ्रॉम next/link। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर को रिडायरेक्ट कर लेंगे होम के ऊपर। सो HREF यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, और इस लिंक के अंदर मैं H2 टैग को ऐड कर देता हूँ, और इस H2 के अंदर हम क्या करेंगे, स्पैन टैग ऐड कर देंगे। एक में हम रखेंगे IMDb, सेकेंड वाले स्पैन में हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे क्लोन, कुछ इस तरीके से इसका नाम रख लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको, एक बार टेस्ट कर लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा IMDb क्लोन। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे हम, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस लिंक को जो है क्लास दे देंगे क्लास नेम, या फिर डायरेक्टली जो है टेक्स्ट को हम टारगेट कर लेंगे। सो लिंक को एज इट इज रखेंगे। H2 में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको क्लास नेम दे देता हूँ H2 क्लास नेम। इसको कर देंगे टेक्स्ट XXL, तो थोड़ा सा ये बड़ा नजर आएगा, सेव करके एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए थोड़ा सा ये बड़ा हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, स्पैन पर काम कर लेंगे। सो क्लास नेम, फॉन्ट बोल्ड कर देता हूँ पहले वाले का। उसके बाद में इसमें बैकग्राउंड कलर हम ऐड कर देंगे, बैकग्राउंड एम्बर, और इसको हम कर देंगे 500। पैडिंग Y1 कर देता हूँ मैं, उसके बाद में X2 कर देंगे, और इसको मैं जो है राउंडेड भी कर देता हूँ। सो राउंडेड LG, सेव। देखते हैं ये कैसा दिखता है, चलते हैं एप्लीकेशन पर। और ये क्लास नेम चेंज हो चुका है, इसको फिक्स कर ले पहले आप, क्लास नेम है ये अब, ठीक है, सेव। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो है ये देखने मिल जाएगा IMDb, और थोड़ा सा स्पेसिंग भी इसमें ऐड कर देंगे। सो क्लोन वाले में हम क्या करेंगे, क्लास नेम ऐड कर देंगे, क्लास नेम। इसको कर देता हूँ मैं टेक्स्ट डैश XL, और इनिशियली इसको हिडन कर देंगे, और फिर SM वाले पे हम इसको इनलाइन कर देंगे, यानी लार्ज स्क्रीन पे हम इसको डिस्प्ले करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है, और इसको साइड बाय साइड कर लेंगे हम, ठीक है। अभी एक के नीचे एक आ रहा है ना, तो इसको भी फिक्स कर लेंगे हम। ये जो डिव है इसको क्लास नेम दे देता हूँ मैं, क्लास नेम। इसको कर देंगे हम फ्लेक्स, और मेन को भी हम क्या करेंगे, एक और डिव क्रिएट कर देता हूँ मैं टॉप पर, और पूरे कंपोनेंट को हम क्या करेंगे,
इससे रैप कर लेंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, क्लास नेम ऐड कर देंगे इसके अंदर। क्लास नेम इसको कर देंगे हम फ्लेक्स, और जस्टिफाई कर देंगे इसको जस्टिफाई बिटवीन, और थोड़ा सा मार्जिन स्पेस भी ऐड कर देंगे, सो MX2। और इसके बाद में मैक्स विथ को टारगेट कर लेता हूँ मैं, मैक्स विथ, और इसको हम कर देंगे, देखिए बहुत सारे सजेशन हमको शो कर रहा है ना, 6XL कर देता हूँ मैं, लार्जेस्ट यही दिख रहा है इसमें। और स्मॉल डिवाइस पे भी टारगेट कर लेता हूँ SM, SM में इसको MX ऑटो कर देंगे, और जो भी आइटम्स है ना उसको कर देंगे हम सेंटर में, और थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ मैं, PY6 कर देते हैं, सेव, चेक कर लेंगे एक बार इसको, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से शो कर रहा है, और हम क्या कर सकते हैं इसको और चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 6XL है ना इसको 4XL कर देते हैं, चेक करते हैं रिफ्रेश, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, देखिए 4XL में कुछ इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है और ठीक ठाक लग रहा है। या फिर 5XL करके एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 6XL में पूरा ही चिपक कर आ रहा है वो, सो इसको 5XL कर देंगे एक बार, 5XL सेव। तो देखिए 5XL आई थिंक ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको ये देखने मिल रहा है IMDb क्लोन। और यहाँ से मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए अबाउट पेज, क्योंकि ये पेज अभी क्रिएट नहीं किया है ना, 404 हमको शो कर रहा है पेज नॉट फाउंड। वापस से बैक आ जाता हूँ, और यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से मेन्यू हमारे पास शो कर रहा है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर अबाउट सेक्शन पर काम कर लेंगे, और भी मेन्यूज पर हमको अभी काम करना है। अब हम यहाँ पे जो है लाइट और डार्क थीम को ऐड करेंगे, तो उसके लिए एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, और साथ ही में एक न्यू पैकेज भी हम इंस्टॉल करेंगे, ताकि हमको ज्यादा मैनुअल प्रोसेस ना करना पड़े लाइट और डार्क थीम के लिए। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, कंपोनेंट्स के अंदर न्यू फाइल, और इसका नाम मैं रखता हूँ डार्क मोड डॉट जेएस, और इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ पहले इसको। और इसको हम क्या करेंगे, हेडर के अंदर इंपोर्ट कर देंगे, तो इस H2 से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर देता हूँ डार्क मोड, मेक श्योर इसको इंपोर्ट भी करें, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा कंपोनेंट, सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन में, और देखिए यहाँ पर ये स्टैक में आ रहा है ना, एक के ऊपर एक आ रहा है, तो हम क्या करेंगे इस डिव को भी जो है फ्लेक्स की क्लास दे देंगे, सो क्लास नेम, और आपको यहाँ पे इसको दे देना है फ्लेक्स, सेव, चेक कर लेते हैं एक बार रिफ्रेश, और यहाँ पे तो अप्लाई नहीं हो रहा है बराबर से, तो और क्लासेस हम इसमें ऐड कर देंगे, तो फ्लेक्स के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आइटम्स को कर देता हूँ सेंटर में, और उसके बाद में स्पेस ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा, स्पेस X/5 कर देंगे, सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और स्टिल यहाँ पे ये अप्लाई नहीं हो रहा है, ये डिव बराबर है, और कोई क्लास है क्या, चेक कर लेते हैं फ्लेक्स के बाद में, और यहाँ पे हमने देखे लिंक के अंदर इसको ऐड कर दिया ना, तो लिंक के बाहर आपको इसको ऐड करना है तभी ये वर्क करेगा, सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए अब बराबर से काम कर रहा है, साइड बाय साइड आ रहा है, और थोड़ा सा स्पेस भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इस डार्क मोड के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन्स जो है ऐड कर देंगे, और साथ ही में इनको क्या करेंगे हम रिएक्ट आइकॉन्स की मदद से जो है चेंज करेंगे, सो आपको सर्च करना है रिएक्ट आइकॉन्स, और यहाँ से हम सर्च कर लेंगे, फर्स्ट वाला रहेगा डार्क मोड के लिए, सो चेक करते हैं इसके लिए कोई अवेलेबल है या नहीं, सो यहाँ पे आपको लिखना है डार्क मोड, और ये थोड़ा सा स्लो चलता है, लोडिंग में टाइम लगाता है, तो देखिए MD डार्क मोड है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो है मून सर्च कर लेता हूँ मैं, ये ज्यादा बेटर लग रहा है, और देखिए BS मून स्टार फिल, इसको हम कॉपी कर लेंगे और इम्पोर्ट करके रख देंगे, बाद में इसका हम यूज करेंगे, डार्क मोड में हमको इसको यूज करना है, सो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकॉन, फिर इसके बाद में इसको पेस्ट कर लेंगे, और ये BS के पैकेज में है तो /BS आपको ऐड कर देना है। सेम इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, लाइट मोड के लिए भी सर्च कर लेता हूँ, लाइट मोड MD लाइट मोड है ना, इसको कॉपी कर लेंगे और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे इसका इम्पोर्ट ऐड कर देंगे, और ये लाइब्रेरी है MD की, तो /MD आपको ऐड कर देना है। और जो लाइट और डार्क की फंक्शनैलिटी है ना, हम इसको क्या करेंगे, एक पैकेज आता है नेक्स्ट JS में, नेक्स्ट थीम करके, उसका हम यूज कर लेंगे, पहले सर्च कर लेते हैं गूगल पे, तो यहाँ से आपको गूगल कर लेना है, और इस पैकेज का नाम है Next-Themes, NPM.js पे इसको चेक कर लेंगे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिंक ही आपको मिल जाएगा, इसको ओपन करिए, सबसे पहले इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ, तो इस कमांड को आप कॉपी कर लें, NPM I Next-Theme, और इंटीग्रेटेड टर्मिनल का हम यूज कर लेंगे, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे कमांड को, और एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये पैकेज जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक इसका डॉक्यूमेंटेशन हम देख लेंगे। इसके साथ में एक प्रॉब्लम भी है कि ये सर्वर साइड पे काम नहीं करता है, तो हमको हमारी एप्लीकेशन को जो है ना क्लाइंट में कन्वर्ट करना पड़ता है, देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पर डायरेक्टली हम इसका यूज करेंगे ना तो हमको एरर देखने मिलेगा,
सर्वर साइड पे ये बराबर से काम नहीं करता है, कॉन्टेक्स्ट का ये यूज करता है। तो हम क्या करेंगे, हमारी एप्लीकेशन को जो है ना, जहाँ पे हम इसको यूज करेंगे ना, उसको एज अ क्लाइंट यहाँ पर बता देंगे। तो उसके लिए सिंपल आपको एक स्टार्ट में लिखना पड़ता है यूज क्लाइंट, जैसे कि आपने देखा होगा यूज ट्रे बेसिक जावास्क्रिप्ट में हम यूज करते थे, तो सेम उसी तरीके से हम टॉप पे जाए ऐड कर देंगे यूज क्लाइंट। तो उससे क्या होगा, इसको पता चल जाएगा कि ये क्लाइंट में यूज होने वाला है। उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से इसको यूज करना पड़ता है, थीम प्रोवाइडर का यूज करना है, और उसको हम बाद में रैप कर लेंगे, और फिर जितने भी चाइल्ड आइटम रहेंगे उसमें वो फंक्शनैलिटी एनेबल हो जाएंगी। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे यूज थीम का भी इस्तेमाल करना पड़ता है, तो जैसे जैसे हम यूज करेंगे तो आपको इसका आइडिया रहेगा कैसे ये चीजें काम करती है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और ये पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ। और इस ऐप के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, और इसका नाम आपको रखना है providers.js, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, थीम जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इम्पोर्ट कर देता हूँ पहले थीम को। तो यहाँ पे लिखना है इम्पोर्ट थीम प्रोवाइडर फ्रॉम next-themes, इसमें से हमको ये चाहिए। और साथ ही में मैंने कहा था ना, ये सर्वर पे वर्क नहीं करता, और हमारी नेक्स्ट जेएस की एप्लीकेशन जो है सर्वर साइड रन होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, मैं कोटेशन में ऐड कर देता हूँ उसको, डबल कोट्स, उसके अंदर आपको लिखना है यूज क्लाइंट। तो ये क्लाइंट में यूज होंगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट, और इस रिटर्न में हम क्या करेंगे, डिव को कट कर देंगे, और यहाँ पर थीम प्रोवाइडर का यूज कर लेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, चाइल्ड आइटम्स को जो है प्रिंट कराएंगे। सो यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे चिल्ड्रन को। तो आप क्या करें, इसको प्रॉप्स में से डिस्ट्रक्चर कर लें, सेव कर लेते हैं इसको। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, हेडर सेक्शन में जाएंगे, और पूरे कंपोनेंट को हम क्या करेंगे, इस प्रोवाइडर से जो है रैप कर लेंगे। सो यहाँ पे आप क्या करें, फ्रेगमेंट के बाद में प्रोवाइडर्स को ऐड कर दें। देखिए ऑप्शन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको कट करके पूरी एप्लीकेशन से हम इसको रैप कर लेंगे। तो अब हमारे एप्लीकेशन में जो है थीम की फंक्शनैलिटी एनेबल हो जाएंगी, इसका हम यूज कर सकते हैं। इसको सेव कर लेंगे, प्रोवाइडर को भी सेव कर लें, और इसको चेक कर लेंगे कि कहीं कोई एरर तो नहीं है अपने पास। चलते हैं एप्लीकेशन पर, ये रही एप्लीकेशन, इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेंगे। तो अभी कोई एरर अपने पास नहीं है, मतलब ये सक्सेसफुली एनेबल हो चुका है। अब इसकी मदद से हम जो है चेंजेस कर सकते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और प्रोवाइडर जेएस में आपको जाना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, थीम प्रोवाइडर के अंदर कुछ और चीजें जो है पास करा देंगे। जैसे कि इसमें हमको एक और प्रॉप मिलता है एनेबल सिस्टम का, तो उसका हमको यूज करना है, और इसको हम कर देंगे ट्रू। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डार्क के लिए बता देंगे इसको, तो यहाँ पे आपको लिखना है डार्क मोड, और इसको हम कर देंगे क्लास। तो ये डार्क मोड को हम क्या करेंगे, कॉन्फिग्रेशन की फाइल में ऐड कर देंगे। पहले इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। इसके बाद में हम जाएंगे टेलविन कॉन्फिग में, और प्लगइन के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है डार्क मोड, और इस डार्क मोड में हम क्या करेंगे, क्लास को ऐड कर देंगे। सेव कर लेते हैं इसको, और साथ ही में प्रोवाइडर में देखिए यहाँ डार्क मोड नहीं रहेगा, ये रहेगा एट्रीब्यूट। डार्क मोड हम कॉन्फिगर में करेंगे, यहाँ पे हम एट्रीब्यूट बता देंगे किसके बेस पे करना है, एट्रीब्यूट इक्वल टू क्लास, इतना लिख के सेव कर लीजिए। और जैसे आप सेव करेंगे ना, तो एक बात नोटिस करें, जब भी आप टेलविन कॉन्फिग जेएस फाइल में चेंजेस करें तो आपको सर्वर को रीस्टार्ट करना है। सर्वर को किल कर दे पहले, उसके बाद में हम फिर से सर्वर को ऑन कर देंगे npm run server कमांड की मदद से। और यहाँ पर ये एप्लीकेशन फिर से रन हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेंगे। तो रिफ्रेश होने के बाद भी कोई एरर नहीं है अपने पास, मतलब फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, लाइट एंड डार्क थीम पर काम करेंगे। तो आपको जाना है डार्क मोड में, आइकन्स तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड करके रखा है ना। इसके बाद में कुछ और चीजें हम यूज करेंगे, और इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको जो है क्लाइंट साइड कर देंगे। तो आपको लिखना है यूज क्लाइंट, और फिर हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे यूज थीम को। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट थीम के अंदर से ऑप्शन मिल जाता है, इम्पोर्ट यूज थीम फ्रॉम next-theme। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, कुछ चीजें डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, और इस रिटर्न को जो है आप मल्टीलाइन कर दें, पैरेंथेसिस में आप रैप कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ चीजें डिस्ट्रक्चर करता हूँ, कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम यूज थीम। यूज थीम में हमको बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले सिस्टम थीम का यूज कर लेंगे। तो आपको लिखना है सिस्टम थीम, उसके बाद में नॉर्मल थीम, और फिर सेट थीम का हमको सेटर फंक्शन भी मिलता है, जिसकी मदद से हम थीम को सेट कर सकते हैं। और इसके बाद में कस्टम वेरिएबल बना देंगे हम, जिसमें हम क्या करेंगे, करंट थीम को गेट करेंगे। सो यहाँ पे उसका नाम हम रखते हैं करंट थीम इक्वल टू, और इक्विवेलेंट कर देते हैं इसको, ठीक है। जो भी अपने पास थीम रहेंगी ना, उससे हम इसको चेक कर लेंगे। सो थीम जो है अपने पास, अगर वो इक्विवेलेंट है डार्क के, तब क्या करो, यहाँ पे सिस्टम थीम का यूज करो, नहीं तो जो भी थीम है आप यूज करो। तो यहाँ पर ये वेरिएबल बन चुका है,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इसको कट कर देता हूँ, पहले शुरू जो फ्रेगमेंट यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, मल्टीलाइन कर देता हूँ इसको। फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे करंट थीम को चेक कर लेता हूँ। पहले करंट थीम अगर ये इक्विवेलेंट है डार्क के, तब क्या करो, हमने दो आइकन्स को ऐड करके रखा है ना यहाँ पे, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। अगर ये डार्क है तब क्या करो, हम क्या करेंगे यहाँ पर कंडीशन ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आप डायरेक्टली आइकॉन्स को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ MD लाइट मोड सेल्फ क्लोजिंग टैग, एल्स में हम क्या करेंगे मून वाला शो कर देंगे। सो PS मून स्टार फिल सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए आइकॉन हमारे पास बराबर से शो कर रहा है। अब लाइट मोड के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक पर काम कर लेंगे। इस आइकन के ऑन क्लिक पर आपको फंक्शन असाइन करना है, तो आप लिखेंगे ऑन क्लिक, इसमें एरो फंक्शन हम कॉल कर लेंगे, सेट कर देंगे थीम को सेट थीम, और इसको हम कर देंगे लाइट। इसको मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको नजर आए अच्छे से इफ एल्स की कंडीशन। सेम इसी चीज को आपको क्या करना है, कॉपी करना है, यानी ऑन क्लिक को आप कॉपी करेंगे और सेकंड वाले में भी पेस्ट कर देंगे, और इसका रिवर्स हम यहाँ पे कर देंगे डार्क। सेव कर लेते हैं इसको। तो ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से आपको ये कंडीशन दिखाई देंगी। अब चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे। चलते हैं एप्लीकेशन पर और इस पर क्लिक करता हूँ मैं, और एरर है, चेक कर लेते हैं क्या एरर है। सेट थीम इज नॉट अ फंक्शन, ये है सेट थीम, यहाँ पे तो हमने सेट थीम ऐड किया हुआ है और यहाँ पे हमने जो है ना यूज थीम को कॉल नहीं किया, क्योंकि ये हुक है तो हमको इसमें से चीजें गेट करना पड़ती है ना, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस हम भूल चुके थे। एक बार इसको सेव कर लेंगे और फिर से एक बार टेस्ट कर लेंगे। और साथ ही में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लास नेम भी ऐड कर देता हूँ कुछ, ताकि जब हम कर्सर को पॉइंटर शो करा पाए। तो आपको लिखना है क्लास नेम, और क्लास नेम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है टेक्स्ट को जो है साइज दे देंगे, टेक्स्ट एक्सेल। उसके बाद में कर्सर की एक क्लास होती है, उसको हम दे देंगे यहाँ पर कर्सर पॉइंटर। और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है ना इसको कलर भी दे देता हूँ, होवर पे दे देंगे। सो होवर कोलन टेक्स्ट एम्बर, और इसको कर देंगे 500, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड वाले में भी हम इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पर इसको टेस्ट कर लेंगे। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ और कर्सर की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई नहीं हुआ आई थिंक, लाइट और डार्क थीम में हम स्विच हो रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ उसको फिर से। तो यहाँ पर देखिए हम स्विच नहीं कर पा रहे, एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ उसको, और रिफ्रेश करने पर भी सेम हमारे पास अब डार्क थीम है, तो इसको भी प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक ग्लोबल स्टेट बना देता हूँ जिसमें हम इसकी स्टेट को मैनेज कर पाए। सो यहाँ पे आप क्या करें, रिएक्ट के बाद में हम क्या करेंगे, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक का भी इस्तेमाल कर लेंगे ताकि इनिशियल टाइम पे हम इसको गेट कर पाए। सो यूज स्टेट की मदद से हम स्टेट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे यूज थीम के बाद में मैं एक स्टेट बना देता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रखेंगे माउंट, सेट माउंट इक्वल टू यूज स्टेट, और इनिशियली इसको कर देंगे फॉल्स, और इसके बाद में यूज इफेक्ट हुक का हम इस्तेमाल कर लेंगे ताकि इनिशियल टाइम पे हम इसको चेक कर पाए। सो यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेट माउंट, और इसको हम कर देंगे ट्रू। इसके बाद में एम्प्टी डिपेंडेंसी भी मैं यहाँ पे पास करा देता हूँ, और ये जो हम डायरेक्टली पास करा रहे थे ना इसमें, तो इसके बदले मैं क्या करता हूँ, एक और कंडीशन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा माउंट, अगर माउंट हो रहा है तब क्या करो, ये करंट वाले को एग्जीक्यूट करो। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन में और यहाँ पे इसको चेंज करके देखेंगे, और ये इनिशियली जो है डार्क शो कर रहा है और चेंज भी नहीं हो रहा है, तो आई थिंक कुछ और इश्यू है हमारे इसमें। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस क्लास को फर्स्ट में मैं ऐड करके देख लेता हूँ, कर्सर पॉइंटर। हवर तो काम कर रहा है लेकिन कर्सर पॉइंटर शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे क्लास नेम की स्पेलिंग जो है ना उसमें एन कैपिटल है, तो मैं इसको फिक्स कर लेता हूँ, इसको कर लेंगे क्लास नेम। अब ठीक है, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो देखिए हवर इफेक्ट बराबर से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट काम नहीं कर रहा है बराबर से, चेक कर सकते हैं आप। और आई थिंक यहाँ पे देखिए हमने जो करंट थीम है ना उसमें डायरेक्टली डार्क को पास किया है, हमको इसमें जो है ना सिस्टम को चेक करना है। अगर सिस्टम का जो भी थीम रहेगा वो अप्लाई करो, नहीं तो हम जो थीम प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसमें यहाँ पे पास होना चाहिए। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेंगे। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए सक्सेसफुली हमारे पास लाइट और डार्क थीम की फंक्शनैलिटी एड हो चुकी है। अब इसकी मदद से हमारे पूरे एप्लीकेशन में लाइट और डार्क थीम की फंक्शनैलिटी एनेबल हो चुकी है। इसकी मदद से हम स्विच कर सकते हैं लाइट टू डार्क, और आप चाहे तो डार्क का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको ज्यादा डार्क लग रहा होगा तो आप क्या करें, थीम प्रोवाइडर में जाइए। देखिए यहाँ पर इससे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक डिव में रैप कर लेंगे, डिव, या फिर ये चाइल्ड एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इस डिव से रैप कर लेंगे ताकि हम इसमें CSS को चेंज कर पाए।
और इस डिव को जो है क्लास नेम दे देंगे हम, क्लास नेम। और इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, डार्क को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। डार्क, अगर ये डार्क है तो क्या करो, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो, टेक्स्ट डॉट ग्रे, और इसको हम कर देंगे 200, इनफ रहेगा आई थिंक। और ये है डार्क, तो के भूल चुके थे हम इसमें, और इसको हम कर देंगे 200। और उसके बाद में बैकग्राउंड भी चेंज कर देंगे, सो अगेन डार्क को टारगेट करता हूँ मैं, बीजी, और इसको हम कर देंगे ग्रे कलर में, और लाइट ग्रे कर देंगे इसको, ठीक है। इसमें देखिए बहुत से ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, हम ये 700 वाला कर देंगे। और ये स्विच इफेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रांजिशन, कंट्रोल स्पेस करें, इसमें आपको सजेशन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे, सो ट्रांजिशन, और कलर्स का कर लेंगे, देखिए ऑप्शन शो करता है, इस पर क्लिक करिए। तो स्विच में जो है ये बराबर से थोड़ा सा इफेक्ट हमको दे देगा। उसके बाद में इसकी ड्यूरेशन भी सेट कर देता हूँ मैं, और साथ ही में हम क्या करेंगे, इसकी हाइट भी जो है सेट कर देंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिनिमम हाइट, और इसको कर देंगे हम स्क्रीन, मतलब 100% ये हाइट ले लेगा। और उसके बाद में सेलेक्ट को मैं इसमें नन कर देता हूँ ताकि हम सेलेक्ट ना कर पाए, सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी डार्क थीम हमारे पास देखने मिलेंगी। अब इसको लाइट कर देते हैं, तो देखिए लाइट में ये बराबर से शो हो रहा है, और यहाँ पे हमारे पास कॉन्टेंट शो नहीं कर रहा है, देख सकते हैं आप। अच्छा हाँ, नीचे स्क्रोल करेंगे तो ये यहाँ पे बॉटम में शो कर रहा है, तो इसको फिक्स कर लेंगे। हमने इसको कहाँ पे लिखा है, ये है थीम प्रोवाइडर, और हेडर के अंदर हमने यूज़ किया था ना। अच्छा हाँ, इसको हम हेडर में से रिमूव कर लेंगे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, सिर्फ हेडर पे अप्लाई हो रहा है, तो हमको ऐसा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे इम्पोर्ट को, इसको लेआउट के अंदर हम रैप कर लेंगे बॉडी के। बाद में हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, पहले ऊपर इम्पोर्ट कर लें, और यहाँ पर इसको इससे रैप कर लेंगे, प्रोवाइडर हेडर और मेन को इससे रैप कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको, और इसके बाद में हेडर को भी सेव कर लेंगे, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे ये परफेक्टली फिक्स हो चुका है, अब हम स्विच करके देख लेते हैं, तो देखिए परफेक्टली ये चीज़ें काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अबाउट का पेज जो है क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, ऐप के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, और जो भी आपका राउट का नेम है वो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि हम लिखेंगे अबाउट। और इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा page.js। पहले क्या होता था, हम डायरेक्टली जो है सेम नाम से फाइल क्रिएट करते थे, लेकिन अभी क्या है, 13 में आपको जो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, और उसके बाद में आप डायरेक्टली उसका पेज नेम लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसको एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, और एक बार टेस्ट कर लेंगे कि ये सही में काम करता है या नहीं। इसको फंक्शनल कंपोनेंट हम बना देते हैं, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इस पेज के बदले आप क्या करें, इसको कर दे अबाउट, और नीचे एक्सपोर्ट में भी आपको जो है इसको अबाउट कर देना है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फिलहाल के लिए अबाउट पेज, सेव कर लेते हैं इसको, और एक बार देख लेंगे ये सही से काम करता है या नहीं। तो चलते हैं एप्लीकेशन पर, और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, और यहाँ से मैं अबाउट पेज पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे अबाउट पेज बराबर से शो कर रहा है। होम पर जाऊंगा तो होम शो कर रहा है, अबाउट पर क्लिक करूंगा तो अबाउट पेज यहाँ पर सक्सेसफुली शो कर रहा है। तो राउटिंग की फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है। मेक श्योर यहाँ पे जो आपने नाम दिया है ना URL में अबाउट, वो और कंपोनेंट दोनों का नेम सेम होना चाहिए। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो देखिए अबाउट है, और URL में भी अगर आप देखेंगे तो ये भी अबाउट है, तो दोनों सेम है, इसीलिए जो यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस अबाउट में जाना थोड़ा सा डमी टेक्स्ट जो है ऐड कर देंगे। तो चलते हैं वापस अबाउट पेज में, और इसको मैं क्या करता हूँ, मल्टी लाइन कर देता हूँ पहले, सो पैरेंथिसिस में आपको इसको लिखना है, और यहाँ पे मैं एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, यानी रिएक्ट फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैं एक डिव ले लूंगा, और इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक H1 ले लेता हूँ, और इसका नाम मैं रखता हूँ अबाउट पेज, या फिर अबाउट अस कर देते हैं। और इसके बाद में डमी टेक्स्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, सो उसके लिए मैं पैराग्राफ टैग यूज करता हूँ, और लॉरेम इप्सम का हम यूज करेंगे। देखिए lorem 20 लिख के मैं टैब प्रेस करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से डमी टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। सेव कर लेते हैं इसको, और इसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट, सेव, और इसको देख लेंगे कैसा दिखता है। तो चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और टेक्स्ट इसका बढ़ा देता हूँ, सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेम सभी में मैं इसको और ज्यादा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा टेक्स्ट हमको बड़ा नजर आए, और आप चाहें तो वैलिड टेक्स्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
यानी कोई भी एक पैराग्राफ आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर खुद से बना के भी ऐड कर सकते हैं। सेव कर लेता हूँ उसको। तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे इसको। चलते हैं वापस टॉप पर और इस डिव को हम क्या करेंगे, क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम। और इसको मैं कर देता हूँ मैक्स विथ ऑफ 6 XL और MX ऑटो कर देता हूँ मैं इसको। साथ ही में स्पेस वाई कर देंगे इसको 4 और पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ मैं, P4 कर देता हूँ उसको। सेव करके एक बार देख लेंगे कैसा दिखता है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा और इसको MX ऑटो कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बराबर से अलाइन हो चुका है, देख सकते हैं आप, लेफ्ट और राइट से बराबर से अलाइन हो रहा है। और ये P4 यहाँ से हम इसको कट कर देंगे, ये क्लास के अंदर है, आउटसाइड हमने लिख लिया। सेव कर लेते हैं इसको। अब बराबर से जो थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू आ रहा है ना, वो भी फिक्स हो जाएगा। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको रिफ्रेश कर लेंगे। अब ये ठीक ठाक लग रहा है, आप अपने हिसाब से भी इसमें डिजाइनिंग कर सकते हैं। मैं इस अबाउट को भी जो है थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये H1 है ना, इसको क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम। इस टेक्स्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट XXL, फॉन्ट मीडियम कर देंगे इसमें। और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट नंबर 500 या फिर 600 कर देते हैं। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास अबाउट अस का पेज रहेगा। अब आप अपने हिसाब से भी इसको और डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नॉर्मल सा एक बेसिक अबाउट का पेज जो है क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक सब नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे जिसमें हम जो भी टॉप रेटेड जॉनरास है वो यहाँ पे हम शो कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब नेविगेशन मेन्यू क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास मेन हेडर है, उसके नीचे हम क्या करेंगे और जो है सब मेन्यूज क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देंगे और इसका नाम आप रख सकते हैं navpar.js। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे, RAFCE, React Arrow Function with Export। सेव कर लेते हैं इसको। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक और सब कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फाइल जिसका नाम मैं रखता हूँ navbar item.js। तो ज्यादा हम रीयूजेबल कंपोनेंट इसमें देख रहे हैं, इसीलिए हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स में हमारी एप्लीकेशन को डिवाइड कर रहे हैं। इसको भी फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ चीजें एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि ये रियूजेबल कंपोनेंट है। तो इसमें यूजर हमको टाइटल प्रोवाइड करेगा और उसके बाद में params यानी URL में कुछ वैल्यूज रहेंगी जिसको हम गेट करने वाले हैं। तो param लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में। अगर मैं params लिख दूंगा तो हो सकता है बाद में चल के कॉन्फ्लिक्ट करें, इसीलिए मैं सिर्फ इसको पैराम कर देता हूँ। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस डिव के अंदर जो है इसको पेस्ट कराएंगे, यानी शो कराना है हमको नेविगेशन मेन्यू को। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लिंक का यूज कर लेंगे। सो इसको आपको नेक्स्ट स्लैश लिंक में से इम्पोर्ट करना है। VS कोड में ऑटो सजेशन शो करता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, HREF का यूज कर लेंगे। HREF से हम क्या कर सकते हैं, इसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं और ये डायनेमिक रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्यूरी भी रहेंगे और फिर फंक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है बैकटिक का यूज करना है, स्लैश फिर क्वेश्चन मार्क और इसके बाद में जॉनरा की हमारे पास क्यूरी रहेंगी और फिर जो भी पैराम्स में वैल्यू रहेंगी ना उससे हम इसको जो है इसके आगे पास करा देंगे और लिंक के अंदर जो है जो भी टाइटल है उसको डिस्प्ले करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और इसको हम क्या करेंगे, नैव बार के अंदर पेस्ट कर देंगे। सो इस नैव बार को कट करके पहले शुरू तो आपको इसको पैरेंथेसिस से रैप करना पड़ेगा, तभी जो है मल्टीपल एलिमेंट्स हम इसमें शो करा पाएंगे। और इसके बाद में नैव बार आइटम को हम पेस्ट कर देंगे। सो मेक श्योर इसको इंपोर्ट करें, navbar item। VS कोड में आपको सजेशन शो कर देगा, उस पर क्लिक करिए, कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा। देख सकते हैं आप सजेशन शो कर रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसके बाद में इसमें टाइटल हम पास करा देंगे और टाइटल में आप कुछ भी नेम लिख सकते हैं जैसे कि ट्रेंडिंग। और उसके बाद में पैराम्स भी हम पास करा देंगे, सो पैराम, और फिर पैराम जो है डायनेमिक रहेगा और पैराम के अंदर हम फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेच ट्रेंडिंग। सेम इसी तरीके से इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, सेकंड वाला हम यहाँ पर चेंज कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, टॉप रेटेड सर्च कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेम नाम रख देता हूँ, टॉप रेटेड, और यहाँ पर फेच ट्रेंडिंग के बदले फेच टॉप रेटेड। सेव कर लेते हैं इसको और इसको जो है हम हेडर सेक्शन में ऐड कर देंगे। हेडर में नहीं, इसको हम लेआउट में डायरेक्ट पास करा देंगे। तो लेआउट का पेज आपको ओपन करना है और इस हेडर के नीचे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको जो है नैव बार कंपोनेंट को इम्पोर्ट करना है, मेक श्योर इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है ट्रेंडिंग और टॉप ट्रेंडिंग। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। चलते हैं वापस नैव बार के अंदर, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास
क्लास नेम ऐड कर देंगे, क्लास नेम, और इसकी मदद से स्टाइलिंग कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको फ्लेक्स कर देंगे ताकि ये वन बाय वन शो करें, और उसके बाद में इसको जस्टिफाई कर देता हूँ मैं, जस्टिफाई सेंटर, और डार्क थीम को मैं टारगेट कर देता हूँ। और इसमें हम क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड कलर है ना डार्क में, इसको चेंज कर देंगे, जैसे कि इसमें कर देता हूँ मैं बीजी ग्रे, और उसके बाद में इसको कर देंगे 600। और फिर लार्ज पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट को भी चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट LG, और थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर देंगे, P4 ऐड कर देता हूँ मैं इसमें, और आई थिंक इतना काफी है। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिखता है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बराबर शो कर रहा है सेंटर में, और थोड़ा सा इसको स्टाइल कर देंगे। नैव बार आइटम में जाके इस लिंक में भी जो है थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, क्लास नेम ऐड कर दें, इसमें थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर देंगे, M4 कर देता हूँ, और इसको जो है डायनेमिक कर लूंगा, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे इसको मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पहले इसको बैकटिक में कन्वर्ट करते हैं, M4 कर देता हूँ मैं, और उसके बाद में यहाँ पे होवर इफेक्ट पे भी जो है ना थोड़ा सा काम कर लेंगे, और जो टेक्स्ट है ना उसको चेंज कर देंगे होवर पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है टेक्स्ट एम्बर, इसको कर देंगे 500 या फिर 600, 600 सभी में यूज़ किया है ना, तो सेम उसी को हम फॉलो कर लेंगे। और फॉन्ट साइज जो है ना उसको भी चेंज कर लेता हूँ मैं, फॉन्ट सेमी बोल्ड, पैडिंग भी दे देता हूँ 2 की। सेव करके एक बार चेक कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये मेन्यू शो करेंगे, और इस पर हावर करेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से हमको इफेक्ट भी इसमें नजर आएगा। और इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे URL, आप देखें URL हमारा बराबर से चेंज हो रहा है। तो इस पर एक्टिव की क्लास भी हम अप्लाई कर देंगे ताकि हमको पता चले क्या हो रहा है इसमें। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर बैकटिक का यूज किया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, URL में से चीजें गेट कर लेंगे, यानी ये देख सकते हैं आप 3000 के बाद में जो URL है उसको हम गेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इम्पोर्ट करेंगे यूज सर्च पैराम्स हुक को फ्रॉम, ये आएगा नेक्स्ट स्लैश नेविगेशन, इसमें से हमको इसको डिस्ट्रक्चर करना है। अब ये हुक है तो इसका एक वेरिएबल बना देंगे, कॉन्स्ट सर्च पैराम्स इक्वल टू यूज सर्च पैराम्स, इसको कॉल कर देंगे, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे गेट कर लेंगे जो भी URL में हमारे पास डेटा है। और ये सर्वर साइड पे काम नहीं करेगा, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर यूज क्लाइंट कर देंगे, तो ये क्लाइंट पे काम करेगा। और इसके बाद में एक न्यू वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें हम जॉनरा को गेट कर लेंगे। तो जॉनरा इक्वल टू सर्च पैराम में जो भी आ रहा है उसको हम गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सर्च पैराम्स, और फिर हम गेट कर लेंगे, गेट फंक्शन का आपको यूज करना है, और उसमें जो भी जान रहा है उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर गेट कर लेंगे। अब इसको हमने गेट कर लिया, इसके बेस पे हम क्या करेंगे यहाँ पर डायनेमिकली जो है स्टाइलिंग ऐड कर देंगे, कहाँ पर, ये वाले में। इसके बाद में आपको क्या करना है, डॉलर कर्ली ब्रेसिस लिखना है, कर्ली ब्रेसिस, और इसमें हम क्या करेंगे चेक कर लेंगे जॉनरा है या नहीं। तो यहाँ पे आपको लिखना है जॉनरा, अगर हमको जॉनरा मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे चेक करो जॉनरा किस चीज का है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जॉनरा, अगर इक्विवेलेंट है, जो भी पैराम हम रिसीव कर रहे हैं ना उसके अगर ये इक्विवेलेंट है तब क्या करो यहाँ पे स्टाइलिंग ऐड कर दो। तो इसमें हम क्या करेंगे अंडरलाइन कर देंगे इसको, तो यहाँ पे आपको लिखना है अंडरलाइन, और इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं, पहली अंडरलाइन की क्लास दे देंगे। उसके बाद में अगेन हमारे पास ऑफसेट का भी ऑप्शन मिलता है हमको, तो ऑफसेट में इसका ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ी स्पेसिंग भी हमको देखने मिले। फिर डेकोरेशन की भी हमको इसके अंदर क्लास मिलती है तो उसका हम यूज कर लेंगे, और डेकोरेशन हम कर देंगे इसमें, देखिए ऑप्शन शो करता है कि चेक कर लेते हैं, 4 करके चेक कर लेता हूँ, देखिए है अवेलेबल ये क्लास। इसके बाद में हम क्या करेंगे डेकोरेशन का कलर, डेकोरेशन क्या है, अंडरलाइन को ही डेकोरेशन कहते हैं, तो हम उसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेकोरेशन, फिर उसके बाद में कलर, इसको कर देता हूँ एम्बर, जो कि हम यूज कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, और इसको कर देंगे 600, और इसको मैं राउंडेड कर देता हूँ, राउंडेड LG, और सेव करके इसको देख लेंगे। तो ऑटो फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से हो जाता है, और आई थिंक मैंने ऑटो फॉर्मेट आपको नहीं बताया, तो सेटिंग में आप जाइए, और यहाँ पर आपको मेन सेटिंग में जाना है, और यहाँ पे सर्च करना है फॉर्मेट, आपको सर्च करना है, यहाँ पे एडिटर में आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट ऑन सेव, इस पर आपको चेक मार्क करना है। तो जब भी आप कंट्रोल एस करेंगे ना तो आपकी फाइल ऑटोमेटिकली जो है फॉर्मेट हो जाएंगी, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, और फिर यहाँ पर है फॉर्मेट सेलेक्शन या फिर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो चलिए इसको एक बार टेस्ट कर लेंगे, और ये यूज क्लाइंट जो है ना पैरेंथेसिस में रैप हो चुका है, तो इसको भी आप फिक्स कर लें, उसको डायरेक्टली आपको लिखना है और इसको टॉप पे ऐड करना है, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, तो चलिए इसको चेक कर लेंगे। तो चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे बराबर से ये शो कर रहा है, हवर करेंगे तब भी इफेक्ट आ रहा है, और जो भी हम सेलेक्ट करेंगे ना क्यूरी, देखिए क्यूरी के हिसाब से जो है वो मेन्यू यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, देख सकते हैं आप। तो सक्सेसफुली ये क्यूरी काम कर रही है, और इसको डार्क मोड में देख लेंगे। अच्छा देखिए डार्क मोड में बराबर से ये मेन्यू का कलर चेंज हो रहा है, लेकिन लाइट मोड पे नहीं हो रहा है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ हमने लाइट मोड में कलर दिया है या नहीं, चेक कर लेते हैं नैव बार में। और
ग्रे कलर हमने डार्क में दिया है। अच्छा हाँ, डायरेक्ट हमने कलर नहीं दिया ना, तो बीजी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, बीजी एम्बर 600, या फिर 600 ज्यादा होगा, इसको नॉर्मल में 100 कर देता हूँ, एकदम लाइट कलर रहेगा। सेव, चेक कर लेते हैं एक बार, चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए लाइट में कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा, और डार्क मोड में कुछ इस तरीके से ग्रे कलर का हमको दिखाई देगा, तो ठीक ठाक लग रहा है, चेक कर सकते हैं आप। नेविगेशन मेन्यू भी क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर IMDB की API पर काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर IMDB मूवी लिस्ट को जो है शो कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करने वाले, यहाँ पे IMDB डेटाबेस यूज करेंगे। तो उसका एक अल्टरनेट अवेलेबल है, सिंपल आप गूगल करिए, यहाँ पे आपको सर्च करना है TMDB, यानी द मूवी डेटाबेस। देखिए फर्स्ट लिंक आपको इस पे मिल जाएगा, इसको आपको ओपन करना है, और जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसका इंटरफेस नजर आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले शुरू साइन अप होंगे, मेरे पास ऑलरेडी इसका अकाउंट है। आपको क्या करना है, सिंपल देखिए साइन अप और लॉग इन दोनों एक ही मेन्यू के अंदर है, तो यहाँ पे आप लॉग इन पर क्लिक करिए। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना है ना, तो यहाँ से आपको जो है क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यूजर नेम पासवर्ड रखना है, फिर उसको कन्फर्म करना है, और जो भी आपका ईमेल है उससे आपको यहाँ पर साइन अप करना है। और जैसे साइन अप हो जाएगा तो आपको एक ईमेल आएगा कुछ इस तरीके से, जो है एक्टिवेट माय अकाउंट करके आप ईमेल में एक बटन मिलेगा, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है इसके लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर लेगा, और वहां पे एक मैसेज भी आपको मिल जाएगा, अकाउंट वेरीफाई सक्सेसफुली। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है ना सबसे पहले लॉगिन हो जाता हूँ, टेक इन्फो YT, और उसके बाद में पासवर्ड में ऐड कर देता हूँ। तो लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको इसका डैशबोर्ड नजर आएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है इसकी API कीज को जो है कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो प्रोफाइल सेक्शन आपको नजर आ रहा है ना, तो इस पर आपको क्लिक करना है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बहुत से ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएगा। तो इसमें से हम सेटिंग पर जाएंगे, और सेटिंग के अंदर नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आपको API का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, API को जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करना है, टू जनरेट अ न्यू API की, इस पर क्लिक करिए, और फिर किस लिए आपको करना है, तो देखिए यहाँ पे हम डेवलपर पर क्लिक कर लेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर बहुत सा डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा किस लिए आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल नीचे आके आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पर वेबसाइट सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन का नाम हम रख सकते हैं IMDB क्लोन, एप्लीकेशन का URL नहीं है तो इसको एम्प्टी छोड़ देंगे, समरी टेस्ट वेबसाइट, और इसको मैं क्या करता हूँ हॉबी प्रोजेक्ट कर देता हूँ। समरी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, URL तो है नहीं अपने पास, फिर भी अगर आपको ऐड करना है ना तो आप ऐड कर सकते हैं http://localhost:3000, जो कि लोकल होस्ट का होता है ना, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप नेम और सारी की सारी डिटेल्स जो है भर सकते हैं, और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको API की जो है मिल जाएंगी, देख सकते हैं आप यहाँ पर API की version 3 auth, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद में टोकन भी है, देखिए अगर आप version 4 यूज करेंगे तो आपको टोकन भी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस की को जो है ना कॉपी कर लेंगे, मेक श्योर आप मेरी मत कॉपी करिए, जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा मैं इसको डिलीट कर दूंगा। अब इसके बाद में आपको इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, और रूट के अंदर क्या करेंगे, एक इन्वायरमेंटल वेरिएबल की फाइल क्रिएट करेंगे, तो इसका एक्सटेंशन रहेगा .env, और उसके बाद में .local, और यहाँ पे हम क्या करेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे API की, और उसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, सेव। और जब भी आप .env की फाइल में चेंजेस करेंगे या फिर क्रिएट करेंगे तो आपको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, पहले शुरू इसको कट कर देंगे, और फिर से हमारे सर्वर को हम रन कर देंगे। तो API की आपको यहाँ पर पास कर देना है, इसके बाद में आप इसका यूज कर सकते हैं, और इसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप देख सकते हैं इसको कैसे यूज करना है। तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे एक बार, और यहाँ से आप जो है सारे के सारे जो भी ये चीज़ें प्रोवाइड करता है ना, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर ट्रेंडिंग सर्च कर लेंगे, तो देखिए ट्रेंडिंग का ऑप्शन आपको नजर आएगा, उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कैसे इसको यूज करना है। तो सारा का सारा यहाँ पे इंस्ट्रक्शन ऐड किया हुआ है, आप यूज कर सकते हैं, और क्या क्या चीजें ये प्रोवाइड करता है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास इतने सारी चीजें मिल जाती है हमको, हम इसका यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें। तो ये ऑब्जेक्ट हम रिसीव करने वाले हैं, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन में डिटेल्स को जो है शो कराएंगे। तो जो जो चीजें आपको शो करानी है आप इसमें से पढ़ सकते हैं और वो यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और हम क्या करेंगे इसको होम पेज में शो करा देंगे। सो ऐप में आपको जाना है, और हमारे पास है रूट में page.js, तो इसमें हम टॉप पे क्या करेंगे, सबसे पहले API की को जो है ऐड कर देंगे। तो ये .env में है ना, तो ग्लोबल एक वेरिएबल बना देंगे, const API_key =
और हम क्या करेंगे, इसको गेट करेंगे प्रोसेस डॉट ई एन वी की मदद से। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, फिर उसके बाद में हमारे पास है एपीआई की। मेक श्योर जो आपने यहाँ पे नाम दिया है ना डॉट ई एन वी की फाइल में, ये और यहाँ पर प्रोसेस एन के बाद में जो आप गेट करने वाले हैं दोनों सेम होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया। अब डॉट ई एन वी के अंदर इसीलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम इसको जब गिटहब पर पुश करेंगे तो इसको विजिबल नहीं रखेंगे, वरना इसका मिस यूज हो सकता है। कोई भी इसको कॉपी करके आपकी जगह वो प्रोजेक्ट को यूज कर सकता है, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको प्रिवेंट करते हैं। हम इसको एक्सपोज नहीं करते, डायरेक्टली सीक्रेट एक डॉट ई एन वी की फाइल बनाते हैं और उसमें सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हैं तो यूज इफेक्ट के बदले हम क्या कर सकते हैं, इसको एसिंक बना सकते हैं। ये नॉर्मल फंक्शन है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं, एसिंक फंक्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट जेएस में हमको ऑप्शन मिलता है, नॉर्मल रिएक्ट में हम नहीं कर सकते, कंपोनेंट को हम एसिंक नहीं बना सकते डायरेक्टली, लेकिन नेक्स्ट जेएस में हम बना सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यूआरएल से पैरामीटर्स को जो है गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्च पैराम्स, और इस होम के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर करने वाले हैं जो भी हमारे पास ऊपर मेन्यू रहेगा ना यूआरएल में। जैसे कि चलते हैं वापस, ये हमारा क्लोन है। जैसे मैं टॉप रेटेड पर क्लिक करता हूँ तो हमारा यूआरएल कुछ इस तरीके से आता है, इसमें हमारे पास जॉन रॉय होता है, तो उसको हम क्या करेंगे गेट कर लेंगे। तो डायरेक्ट भी हम गेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे सर्च पैराम्स, और इसकी मदद से हम इसको गेट कर सकते हैं। उसको एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा देंगे और इसका नाम हम रखेंगे जॉनरा इक्वल टू, फिर सर्च पैराम्स का हम यूज करेंगे और ऑप्शनल भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। इनकेस अगर ये नहीं मिलता है तब क्या करो, यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट फेच का जो है यूज कर लेंगे। यानी ये जो हम दो रिक्वेस्ट बना रहे हैं ना, एक ट्रेंडिंग है और एक टॉप है, एक टॉप रेटेड है, तो दोनों में से एक का हम जो है डिफॉल्ट इसको ऐड कर देंगे। तो ये क्या करेगा, फेच ट्रेंडिंग को जो है सर्च कर लेगा, इनकेस अगर इसको सर्च पराम्स नहीं मिलते हैं तो। यहाँ पे हमने इसको गेट कर लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे। अब उसके लिए आप जो है एक्सियोस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मल देख रहे हैं अभी, फर्स्ट हमारा नेक्स्ट 13 में प्रोजेक्ट है तो हम इसमें फेच का यूज कर लेंगे। आगे एक और प्रोजेक्ट देखेंगे उसमें हम फिर एक्सियोस का यूज कर लेंगे। अभी बेसिक प्रोजेक्ट है इसीलिए हम जो है फेच का यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स के नाम से हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और इसमें हम क्या करेंगे अवेट करेंगे, फिर फेच फंक्शन हम यहाँ पर कॉल कर देंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे डायनेमिकली जो है यूआरएल को गेट करेंगे। सो यहाँ पे आपको बैकटिक का यूज करना है, और इसका जो यूआरएल है ना आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे से भी कॉपी कर सकते हैं। इनिशियल यूआरएल कुछ इस तरीके से रहेगा, यहाँ तक द मूवी डी बी ओ आर जी फिर /3, उसके बाद में फिर हमारी क्यूरी जो है चेंज होगी। जैसे कि ट्रेंडिंग है तो ट्रेंडिंग आएगा, उसके बाद में मीडिया टाइप विंडो टाइम, तो ये सारी क्यूरी है। हम क्या करेंगे इसको डायरेक्टली यूज करेंगे। देखिए आप ट्राई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी एपीआई सेंड कर सकते हैं। जैसे कि नीचे देखेंगे ना तो डायरेक्टली आपको यूआरएल मिल जाएगा, इसको भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली वन बाय वन यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे https://, फिर api.themoviedb.org/3, स्लैश उसके बाद में हम डायरेक्टली जो है ना यहाँ पर जॉनरा चेक कर लेंगे जो वेरिएबल में हमने स्टोर कराया ना। तो यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं, और इसके अंदर हम क्या करेंगे जॉनरा को चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है जॉनरा, अगर ये इक्विवेलेंट है तो क्यूरी हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी इफ एल्स कंडीशन हम ऐड कर रहे हैं, और ये अगर इक्विवेलेंट है फेच टॉप रेटेड के, तब क्या करो यहाँ पर आगे का जो यूआरएल है वो कुछ इस तरीके से कर लो, movie/top_rated, नहीं तो क्या करो एल्स कंडीशन हम ऐड कर देंगे। और एल्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रेंडिंग वाले सेक्शन को शो कराना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे trending/all/week, तो यहाँ पर इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे इस वाले यूआरएल पर। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, अगेन कंटिन्यू करना है क्योंकि हमको एपीआई की भी इसमें पास कराना है, और ज्यादा स्पेसिंग इसमें मत यूज करिए, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है फिर ज्यादा स्पेस हम यूज करेंगे ना। तो मैं स्पेसिंग रिमूव कर देता हूँ, ऑटो फॉर्मेट में भी ये हो जाएगा लेकिन आपको अच्छे से भी अभी दिखाई देगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है कि फर्दर इसके आगे क्यूरी है। यूआरएल स्ट्रिंग में हम क्या कर रहे हैं मल्टीपल क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब ये हमारा खुद का तो डेटाबेस है ही नहीं ना, ये थर्ड पार्टी है, अब इसका जो पैटर्न है बनाया हुआ उसके हिसाब से हम इसको कॉल कर रहे हैं। इसके बाद में आपको लिखना है API_key, और फिर इसके आगे आपको लिखना है इक्वल, फिर यहाँ पे हम डॉलर कर्ली ब्रेसिस का यूज कर लेंगे, और जो एपीआई की है अपने पास उसको पास करा देंगे। सो एपीआई की इसको हमने यहाँ पर पास करा दिया, जो कि डायनेमिकली सबके अलग अलग रहेंगी। आपने जो कॉपी किया होगा तो वो आपके पास शो होगा, मैंने जो अभी कॉपी किया वो मेरी यहाँ पर की यूज होगी। इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज भी ऐड कर देंगे। सो इसके बाद में एंड लिखना है आपको, और यहाँ पे आप लिखेंगे
लैंग्वेज, और इसको कर देंगे हम EN डैश US, US कैपिटल में है। उसके बाद में एक और क्यूरी हम यहाँ पर इसके साथ में बाइंड कर देंगे और पेज का जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। इनकेस अगर हमको आगे चल के पेजिनेशन इसमें ऐड करना रहा तो ये पेज की क्यूरी भी हमारे काम में आएंगी। अब ये हो गया हमारे फर्स्ट क्यूरी। अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, थोड़ा सा ऑटो फॉर्मेट हो जाएगा तो आपको भी अच्छे से दिखाई देगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये क्रिएट हो जाता है। अब इसके बाद में हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, यानी बैकटिक के बाद में आपको कॉमा लगाना है। एक और ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे पास कराना पड़ता है और हम इसको जो है नेक्स्ट की मदद से प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे आप और इसके अंदर हमारे पास होता है एक न्यू ऑब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं रीवैलिडेट। तो इससे होता क्या है कि अपनी जो रिक्वेस्ट है वो कितने टाइम पे हमको रिफ्रेश चाहिए, क्योंकि ये क्या करता है नेक्स्ट जेएस इसको कैच बना देता है। तो कैशिंग में रहेगा तो वो इंस्टेंट टाइम पे रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन अगर हम इसमें रीवैलिडेट ऐड कर देंगे ना तो वो फिर उतने टाइम के बाद में पेज को रिफ्रेश कर लेगा। अब ये मूवी डेटाबेस है, इसमें तो ज़्यादा कुछ रिफ्रेश का काम है नहीं, तो हम इसमें कोई भी एक रैंडम वैल्यू ऐड कर देंगे, जैसे कि 10,000 में ऐड कर देता हूँ। और ये मिली सेकेंड में होता है, जैसा कि हम सेट टाइम आउट फंक्शन यूज करते हैं ना, सेम उसी तरीके से हम इसमें पास कराते हैं। तो ये इतने टाइम के बाद में क्या होगा, डबल से क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये क्यूरी है अपने पास, देखिए फेच मेथड इतना बड़ा रहेगा हमारे पास। अब इस रिस्पॉन्स को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके। अगर हमारा रिस्पॉन्स सही नहीं होता है ना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर थ्रो कर देंगे न्यू एरर को। तो थ्रो न्यू एरर ऑब्जेक्ट का हम यूज कर लेंगे और इसके अंदर एक मैसेज पास करा देंगे, फेल टू लोड मूवी डेटा, ये मैसेज हम पास करा देंगे। अगर सब कुछ सही रहता है तो हम क्या करेंगे, ये जो भी रिस्पॉन्स हमको मिलेगा तो उसको हम जेसन में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम उसको डिस्प्ले करा पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाना है, कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू अवेट करेंगे हम। अवेट के बाद में आप क्या कर सकते हैं, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। तरीके का सिंटेक्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर फेच का यूज किया हुआ है। अल्टरनेट में अगर हम देन चेन ब्लॉक, या फिर अल्टरनेट में हम क्या कर सकते हैं, एक्सियोस का यूज कर सकते हैं, उसमें से हम डायरेक्टली डेटा को डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, और एसिंक अवेट सिंटैक्स यूज करेंगे तो और भी हमारा फंक्शन जो है साफ होता रहेगा। लेकिन अभी फर्स्ट देख रहे हैं, और मोस्टली अगर आप गूगल करेंगे तो आपको नेक्स्ट जेएस के साथ में जो भी बेसिक ट्यूटोरियल होते हैं तो सेम फेच का मेथड आपको देखने मिलेगा, इसीलिए मैंने भी यही आपको बताया है। अब यहाँ पे हमने जो है इसको गेट कर लिया डेटा को, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। तो इसका नाम आप रखें रिजल्ट्स इक्वल टू जो भी डेटा है, और डेटा के अंदर हमारे पास जो भी रिजल्ट्स रहेगा, क्योंकि ये जेसन रिस्पॉन्स हमको देगा उसके अंदर हमको एक रिजल्ट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इस रिजल्ट ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करा देंगे, और स्पेलिंग मिस्टेक इसमें करेक्ट कर लेते हैं, सेम नाम से मैं रख रहा हूँ रिजल्ट। डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम एकदम बेसिक से देख रहे हैं। अब ये जैसे गेट होगा ना तो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट करा सकते हैं कहीं पर भी। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करेंगे, एक रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे, जैसे कि कंपोनेंट के अंदर एक न्यू फाइल, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, सेम नाम से रख देता हूँ मैं रिजल्ट्स डॉट जे एस। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE React Arrow Function with Export, और इसमें हम क्या करेंगे डिस्ट्रक्चर कर देंगे रिजल्ट्स को, और इसको हम क्या करने वाले हैं एज अ प्रॉप रिसीव करेंगे, और यहाँ पर हमारे मेन पेज में इसको हम क्या करेंगे पास करा देंगे, जैसे कि H1 को रिमूव कर देंगे। इसके बदले में क्या करता हूँ, यहाँ पर एक डिव ले लेता हूँ, बाद में इसको स्टाइल करेंगे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे रिजल्ट्स वाले पेज को जो है ऐड कर देंगे। देखिए ऑप्शन शो करेगा, इस पर क्लिक करिए, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ये कंपोनेंट भी ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है। और इसमें हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को जो है पास करा देंगे एज अ प्रॉप। तो यहाँ पे सेम नाम से भी प्रॉप रख सकते हैं आप, सेम नाम से मैं प्रॉप इसमें पास करा देता हूँ, इसको सेव कर लेंगे ताकि हम इसको रिजल्ट वाले पेज में यूज कर पाए। अब इस रिजल्ट वाले में हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, और यहाँ पे हमको क्या करना है, रिस्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमने कर दिया है, हम इसको जो है मैप कर लेंगे, क्योंकि मल्टीपल वैल्यूज इसमें हमारे पास आएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे, अगर हमको रिजल्ट मिलता है तब क्या करो, इसको मैप करो। सो रिजल्ट डॉट मैप, और मैप करेंगे तो सिंगल हमको रिजल्ट मिलेगा, तो इसको हम क्या कराएंगे डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो इसके लिए भी मैं एक डिव ले लेता हूँ, बाद में कार्ड में हम इसको ऐड करेंगे, नॉर्मल अभी फिलहाल के लिए हम डिव ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डिव बना दिया, और इस डिव के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट अपने पास आ रहा है ना इसकी मदद से जो है डेटा को गेट करेंगे। सो रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हम रिसीव कर रहे हैं, डेफिनेशन पर क्लिक करिए, इस ऑब्जेक्ट में से हम कोई भी डेटा को जो है यहाँ पर शो करा सकते हैं, जैसे कि ओरिजिनल टाइटल है ना इसको मैं डिस्प्ले कराता हूँ। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ओरिजिनल अंडरस्कोर टाइटल, और अब यहाँ पे हम जो मैप करा रहे हैं ना उसमें हम क्या करेंगे की प्रॉपर्टी भी ऐड कर देंगे ताकि ये की ट्रैक करे। मैप के साथ में मैंडेटरी है आपको की प्रोवाइड करना, वरना आपको कंसोल पे वार्निंग शो करता है।
इसके साथ में हम क्या करेंगे, रिजल्ट में जो भी हमारे पास आईडी आ रही है ना, उसको एज अ की हम यहाँ पर पास करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको और चलते हैं एप्लीकेशन पर। ये काम करेगा, अगर सक्सेसफुली हमको रिस्पॉन्स मिलता है तो ये शो कर देगा। चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल टाइम पे हमारे पास सारा का सारा डेटा जो है गेट हो रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेंडिंग सेक्शन चेक कर लेंगे। सो ट्रेंडिंग पर मैं क्लिक करता हूँ। अच्छा, बाय डिफॉल्ट तो ट्रेंडिंग है। अब हम जो है टॉप रेटेड चेक कर लेंगे, टॉप रेटेड, और ये दोनों में सेम शो कर रहा है। एक बार मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये दोनों में सेम शो कर रहा है, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा जो एंड पॉइंट है ना, इसके अंदर हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए टॉप रेटेड की स्पेलिंग गलत है, इसमें डी ऐड हो चुका है ना, तो उसको आप फिक्स कर लें। और पैराम्स है, अच्छा हाँ, पैराम्स में देखिए हमने जो है ना डायरेक्टली पूरा का पूरा सर्च पैराम ले लिया है। इसमें से हमको चाहिए था जॉनरा, तो यहाँ पे आप ऐड कर दें उसके बाद में डॉट लगा के। सर्च पैराम्स में से हम जो है जॉनरा को गेट करने वाले थे, इसके बेस पे हम उसको फिर फाइंड करेंगे, क्योंकि इसको क्यूरी नहीं मिल रही और डायरेक्टली ये फेच ट्रेंडिंग को जो है कॉल कर दे रहा है। हमने यहाँ पर कंडीशन ऐड किए ना, यहाँ पर एक जॉनरा के नाम से वेरिएबल बनाए और उसमें दो कंडीशन ऐड किए, एक यूआरएल में जो भी जॉनरा सर्च होगा उसके बेस पे लिस्ट को चेंज करो, या फिर डायरेक्टली फेच ट्रेंडिंग, यानी अगर इसको जॉनरा नहीं मिलता है पैराम्स में तो फिर ये फेच ट्रेंडिंग जो है शो करेगा। और यहाँ पर भी हमने सेम कंडीशन ऐड की हुई है, आई थिंक अब ये काम करना चाहिए। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और देखें यहाँ पर ये बराबर से शो कर रहा है। अब ट्रेंडिंग भी एक बार चेक कर लेंगे, ट्रेंडिंग में जो है बराबर ट्रेंडिंग वाले शो कर रहा है और टॉप रेटेड में जो है टॉप रेटेड वाले शो कर रहा है। तो सक्सेसफुली हमने आईएमडीबी डेटा को जो है गेट कर लिया है। आईएमडीबी तो नहीं है, लेकिन सेम जो है हमारे पास मूवीज का डेटाबेस है जिसकी मदद से हम सेम आईएमडीबी क्लोन बना सकते हैं। और यहाँ पर ये परफेक्टली आ चुका है। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर जो है डिस्प्ले कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Next.js 13 में हमको एरर और लोडिंग की स्टेट मिलती है, यानी हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं एरर के नाम से और अपने मनपसंद फॉर्मेट में जो है एरर को डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एपीआई में थोड़ा सा इंटेंशनली इसको रॉन्ग कर देता हूँ, जैसे कि .org को मैं रिमूव कर देता हूँ। और जैसे मैं सेव करूंगा ना, चलते वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको ये एरर देखने मिलता है, जो कि डेवलपमेंट मोड में ठीक ठाक है, लेकिन जब हम प्रोडक्शन पर भेजेंगे ना तो कुछ इस तरीके से हमारे पास प्लेन, यानी कुछ भी हमको इसमें दिखाई नहीं देगा, तो इससे हमको कुछ समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं रूट के अंदर। तो ऐप डॉट जे एस के अंदर आपको क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना है और इसका नाम आपको सेम रखना है एरर डॉट जे एस, या फिर जे एस एक्स सिंटेक्स आप यूज कर रहे हैं तो फिर जे एस एक्स भी आप रख सकते हैं। और इससे क्या होगा, इसके अंदर आप जो भी एरर मैसेज ऐड करना चाहे कर सकते हैं और उसको रिडायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पहले तो आप इसको क्या करें, फंक्शनल कंपोनेंट बना दें। एरो फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको एरो फंक्शन बना दिया। अब ये जो फंक्शन रहेगा ना, पहले इसका नाम भी चेंज कर लें, क्योंकि कंपोनेंट का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है। सो इसको आप क्या करें, कैपिटल में रखें और फाइल का नाम हमेशा लोअर केस में रहेगा, क्योंकि ये नेक्स्ट जेएस है, इसी के बेस पे हमारी राउटिंग भी परफॉर्म होती है। इसके अंदर हमको जो है दो आर्ग्यूमेंट मिलते हैं, जैसे कि हम प्रॉप गेट करते हैं ना, उसी तरीके से हम इसमें भी प्रॉप डिस्ट्रक्चर करेंगे। इसमें हमको मिलता है एरर, अब ये बाई डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस की तरफ से मिलता है। एक होता है एरर, उसके बाद में होता है रीसेट फंक्शन। एरर ऑब्जेक्ट है और ये रीसेट जो है ये फंक्शन है। एरर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो भी एरर है उसको डिस्प्ले करा सकते हैं या फिर उसको गेट कर सकते हैं। और रीसेट की मदद से आप क्या कर सकते हैं, पेज को रिफ्रेश करा सकते हैं इनकेस अगर नॉर्मल सा कुछ एपीआई का इशू है या फिर जो भी आपके पास में इशू रहेगा आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियल टाइम पे जो है एरर को गेट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यूज इफेक्ट हुक जो है ना क्लाइंट साइड पे काम करता है और हमारी नेक्स्ट जेएस के जितने भी कंपोनेंट्स है वो सर्वर साइड रन होते हैं। तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमारे कंपोनेंट को कन्वर्ट करना पड़ता है क्लाइंट साइड में। तो उसके लिए हम लिखते हैं यूज क्लाइंट, अब ये क्लाइंट साइड पे रेंडर हो सकता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट हुक का इस्तेमाल करेंगे और इसकी मदद से जो है एरर को इनिशियल टाइम पे हम गेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है यूज इफेक्ट, ये रहेगा फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर डिपेंडेंसी, और इसके अंदर हम सिंपल क्या करेंगे, जो भी एरर आ रहा है उसको कंसोल डॉट लॉग कर देंगे और डिपेंडेंसी में उस एरर को पास करा देंगे ताकि वो कीप ट्रैक करे, यानी जब भी एप्लीकेशन रन होगी तो इनिशियल टाइम पे हमारे पास एरर ऑब्जेक्ट हमको मिल जाएगा। कुछ भी अगर हमारे एप्लीकेशन में चेंजेस या फिर प्रॉब्लम होती है तो वो एरर को गेट कर लेगा और कंसोल डॉट लॉग कर लेगा हमारे लिए। और हम क्या करेंगे, इसके बदले रिटर्न में जो है ना कस्टम एरर मैसेज जो है शो करा देंगे। जैसे कि एक H1 ले लेता हूँ मैं और इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि समथिंग वेंट रॉन्ग, और उसके बाद में एक बटन ऐड कर देंगे क्योंकि रीसेट फंक्शन है ना,
तो बटन की मदद से हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक पे ये फंक्शन को असाइन कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है बटन, और बटन में हम कर देंगे ट्राई अगेन, और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे जो है रीसेट फंक्शन को कॉल कर देंगे। सो एरो फंक्शन, इनलाइन एरो फंक्शन में इसको कॉल कर लेंगे। तो आपको लिखना है रीसेट और इसको कॉल कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको। जैसे आप सेव करेंगे ना, अब चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए अब हमारे पास जो एरर है कुछ इस तरीके से आएगा, समथिंग वेंट रॉन्ग और फिर ट्राई अगेन। आप चाहे तो इसको डिजाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको जो है सेंटर में कर देता हूँ पहले। तो इस डिव को क्या करेंगे, क्लास नेम दे देंगे, क्लास नेम, और इसको कर देंगे टेक्स्ट सेंटर, और मार्जिन टॉप से जो है 10 दे देता हूँ मैं। और बटन को भी जो है ना आप क्लास दे सकते हैं, क्लास नेम। इसके होवर इफेक्ट पे हम क्या करेंगे, कलर चेंज कर देंगे होवर, और फिर इसको कर देंगे एम्बर कलर, हम यूज कर रहे हैं ना एप्लीकेशन में, तो वही कलर हम ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट एम्बर 600। सेव कर लेते हैं इसको और चेक कर लेंगे एक बार। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए बराबर से सेंटर अलाइन हो चुका है, और इस पर होवर करेंगे तो ये बराबर से काम कर रहा है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एपीआई जो है फिर से रीरेंडर होंगी, लेकिन स्टिल हमारे पास एरर रहेगा। तो इससे कुछ भी आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, लेकिन जब रियल टाइम पे कुछ और भी हमारे पास इशू रहेगा तो ये रिफ्रेश कर लेंगे हमारी एप्लीकेशन को, तो एरर वो फिक्स होने के चांसेस हैं। और अगर आप इंस्पेक्ट करेंगे तो कंसोल पे भी अपने पास मैसेज शो करेगा, देख सकते हैं आप। और स्पेलिंग मिस्टेक भी है कहाँ पर, रेस्ट इज नॉट डिफाइंड, चेक कर लेते हैं रीसेट। अच्छा यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं हुआ बराबर से, ये है रीसेट, यहाँ पे जो रीसेट गेट कर रहे हैं उसको यहाँ पे हम कॉल कर रहे हैं। सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल टाइम पे भी अपने पास जो है एरर मैसेज शो कर रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कैन नॉट गेट, और 404 का एरर है। इसको नेटवर्क टैब में भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि नेटवर्क टैब ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश कर लें इसको, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए एरर का पेज अपने पास ऑटोमेटिकली जो है गेट हुआ है, और इसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो एरर को हैंडल कर सकते हैं। देखिए फेच फील्ड का आपको एरर मिल जाएगा, और यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा कहाँ पर एरर है। अब जैसे इसको मैं वापस से फिक्स करता हूँ ना एपीआई को, जाएंगे वापस और इसको वापस .org कर लेंगे। सेव, चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। कोई भी एरर अपने पास कंसोल पे नहीं है, और सक्सेसफुली एपीआई कॉल हमारी हो रही है। और यहाँ पर देखिए एक वार्निंग है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट सर्वर का, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, हाइड्रेशन का एरर है, लेकिन ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। कुछ चीज़ें इसमें भी बग्स है 13 में, तो उस वजह से भी आपको वार्निंग्स देखने मिल सकते हैं। तो इसको क्लियर कर देते हैं, बाकी फंक्शनैलिटी सही से काम कर रही है। अब हम क्या कर सकते हैं, लोडिंग स्पिनर भी यहाँ पर शो करा सकते हैं, जो कि बाई डिफॉल्ट हमको मिलता है। बाई डिफॉल्ट मतलब क्या है कि ये फंक्शनैलिटी आपको मिलती है। आप क्या कर सकते हैं, न्यू फाइल बना सकते हैं लोडिंग के नाम से, सेम एरर के जैसे हमने बनाया है ना, सेम उसी तरीके से लोडिंग के लिए बना सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बना लेंगे यहाँ पर एक न्यू फाइल, ऐप के अंदर ही एक न्यू फाइल आपको बनाना है, और उसका नाम आप रख सकते हैं लोडिंग डॉट जे एस, यही नाम आपको रखना है। और जैसे ये फाइल बनाएंगे ना आप, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना सकते हैं, और कोई भी स्पिनर आप इसके अंदर जो है क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप गूगल करेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं लोडिंग स्पिनर, और यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम चलते हैं CSS लोडर्स एंड स्पिनर, तो इसमें भी बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से भी जो है इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करिए, और इसके लिए आपको जो है CSS मिल जाएगा, एक सिंपल आपको स्पैन लेना है, इसको कॉपी कर लेंगे हम। इसको कॉपी करेंगे, चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में। पहले तो इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट, और इस डिव के अंदर इसको पेस्ट कर देंगे, और लोडर की क्लास इसके अंदर है, तो इसको आप क्या करें, पहले शुरू क्लास नेम कर दें। सेव कर लेते हैं इसको लोडर को, और उसके बाद में CSS है ना, तो CSS हम डायरेक्टली क्या करेंगे, यहीं से इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी, उसके बाद में इसको पेस्ट कर देंगे। मैं क्या करता हूँ, इसको ग्लोबल में पेस्ट कर देता हूँ, ग्लोबल CSS, यहाँ पे पेस्ट, और पेस्ट से पहले क्या करता हूँ मैं, कमेंट ऐड कर देता हूँ, लोडिंग स्पिनर कर देंगे ताकि अपने को याद रहे, और इसके बीच में इसको पेस्ट कर देता हूँ। सेव, और इसको एक बार देख लेंगे, इतना ही है, ज़्यादा कुछ हमको नहीं करना है, हम लोडिंग के नाम से एक बना के छोड़ देंगे, तो ये परफेक्टली काम करेगा। चलिए एक बार इसको टेस्ट कर लेंगे, ये रही हमारी एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ, बहुत फास्ट ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो नॉर्मल से डिले में आपको देखने मिल रहा है यहाँ पर। इसको हम सेंटर अलाइन कर देंगे पहले, ठीक है, ताकि अच्छे से आपको भी दिखाई दे। इस डिव को मैं क्या करता हूँ, क्लास दे देता हूँ कुछ, जैसे कि फ्लेक्स, और सॉरी क्लास नेम देना है पहले, क्लास नेम, उसके बाद में इसको कर देंगे फ्लेक्स, फ्लेक्स के बाद में, और स्पेलिंग मिस्टेक अगेन, और इसको जस्टिफाई कर देंगे सेंटर में, जस्टिफाई सेंटर। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे, चलते हैं एप्लीकेशन पर। नॉर्मल सा आपको दिखाई देगा, काफी फास्ट ही आके जा रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन फास्ट हमारी रेंडर हो रही है,
इसलिए हमको बराबर से दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए बराबर से शो कर रहा है, और मार्जिन टॉप भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मार्जिन टॉप से इसको कर देता हूँ 10, सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और फिर से हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। अबाउट पर क्लिक करता हूँ मैं, तो देखिए नॉर्मल आके जा रहा है, टॉप रेटेड, ट्रेंडिंग। वापस से हम इसको क्लिक करके देखेंगे तो देखिए लोडिंग स्पिनर आके जा रहा है। तो इस तरीके से आपको जो भी लोडिंग स्पिनर चाहिए आप यहाँ से भी ले सकते हैं, या कहीं से भी आप जो है डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अब ये फ्री वाला था इसीलिए हमने इसको यूज़ किया। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन में। मेक श्योर इसको जो है एक बार चेक भी कर लें गिटहब पर, डॉक्यूमेंटेशन इसका क्या है, लाइसेंसिंग की पॉलिसी क्या है, वो भी एक बार पढ़ लें तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखिए लाइसेंस इनिशियल कमेंट है, फ्री ऑफ चार्ज है, यानी कि आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा बहुत इसमें जो है मॉडिफिकेशन कर लीजिए, अगर आपको करना है प्रोडक्शन पे या फिर कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में यूज़ करना है ना, तो मे बी इसका कलर चेंज कर दीजिए तो भी काम चल जाएगा, आपको कोई भी कॉपीराइट नहीं मिलेगा। सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आप लोडिंग की स्टेट भी कैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट Next.js हमको ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, जब भी एप्लीकेशन में लोडिंग का सिनेरियो रहेगा ऑटोमेटिकली हमारा स्पिनर जो है शो होगा। आप इसको जो है मैनुअली भी यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी अगर आपको यूज करना है ना, सेम ये जो फाइल हमने अभी बनाई है ना, तो इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये एज अ रीयूजेबल कंपोनेंट भी आप कहीं पर यूज कर सकते हैं, अगर आपको यूज करना है तो। अगर आगे जरूरत पड़ती है तो इसका जरूर हम यूज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सारी की सारी डिटेल्स को एक कार्ड के अंदर फेच करेंगे, यानी उसकी इमेज, डिस्क्रिप्शन, रिलीज डेट और उसकी पॉपुलैरिटी, और जो भी आपको डिस्प्ले कराना है आप इसका डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करके भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसको एज अ लिंक यहाँ पर क्रिएट करेंगे। चलिए पहले हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करेंगे, फिर आपको भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा आइडिया रहेगा हम करना क्या चाहते हैं। चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में, और मैं क्या करता हूँ कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फाइल बना देता हूँ, और इसका नाम हम रख लेंगे card.js। फंक्शनल कंपोनेंट इसको बना देंगे RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इसमें जो है H1 को ऐड कर देंगे। कार्ड पेज कर देता हूँ उसको सेव, और इसको हम क्या करेंगे रिजल्ट वाले पेज में ऐड कर देंगे। हम क्या कर रहे थे, पहले डायरेक्टली जो है ना डिस्प्ले करा रहे थे, इसके बदले हम क्या करेंगे, अब इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, या फिर हम इसको जो है डायरेक्टली चेंज कर देंगे इस डिव को कट करके, या फिर पहले से ही बता देता हूँ मैं वरना और कंफ्यूजन हो सकता है, इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। और इसके बदले हम जो है कार्ड कंपोनेंट का यूज़ करेंगे। मेक श्योर आप इसको इम्पोर्ट करें, देखिए सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करिए। कार्ड में से हम कार्ड को इम्पोर्ट कर रहे हैं, विद इन सेम फाइल है, देख सकते हैं आप कंपोनेंट के अंदर ही हमारे पास कार्ड का भी कंपोनेंट है, सेल्फ क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हम रिजल्ट को मैप कर रहे हैं ना उसको एज अ प्रॉप यहाँ पे पास करा देंगे, सेम नाम से मैं इसको पास करा देता हूँ। और इसके अंदर की को भी हमको पास कराना पड़ता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे की, और की कहाँ से आएंगी, जो भी रिजल्ट है अपने पास उसके अंदर की जो आईडी है उससे हम जो है इसको फुलफिल करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। अब जो भी स्टाइलिंग करना है तो इस कार्ड में हम कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं आउटपुट। चलते हैं वापस ब्राउजर पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये कार्ड शो कर रहा है। और हम क्या करेंगे, इसका टाइटल चेंज कर लेंगे। अब कार्ड में जाना है आपको, और सबसे पहले रिजल्ट को डिस्ट्रक्चर करना है, और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि अभी स्टाइलिंग करना ही है ना, तो H1 रिमूव कर देता हूँ मैं, और इस कार्ड पेज को कट करके यहाँ पे डायनेमिक हम क्या करेंगे, पेज टाइटल शो करा देंगे। सो रिजल्ट्स डॉट ओरिजिनल अंडरस्कोर टाइटल, सेव कर लेते हैं इसको, तो सारे टाइटल वापस से शो करेंगे, क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास सारे टाइटल्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेंगे, इसको एज अ कार्ड हम बना देंगे, तो इसको हम क्या करते हैं साइड बाय साइड कर देंगे। अब ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिजल्ट वाले डिव को जो है टारगेट कर लेंगे, इसमें आपको लिखना है क्लास नेम, और इसमें हम कुछ क्लासेस को पास करा देंगे, जैसे कि स्मॉल स्केल पे हम क्या करेंगे इसमें थोड़े से चेंजेस करेंगे, और इसको एज अ ग्रिड हम पास करा देंगे सेव, तो ये ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद में आप बता सकते हैं इसको ग्रिड में क्या क्या आपको करना है, तो उसके आगे भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे SM कर देता हूँ। वापस से स्मॉल पे हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ग्रिड डैश कॉल, और इसको हम कर देंगे टू कॉलम, ठीक रहेगा। और LG पे यानी लार्ज स्केल डिवाइस पे हम क्या करेंगे, इसको कॉल्स 3 कर देंगे, और एक्सेल पे भी इसको टारगेट कर लेंगे। एक्सेल में हम क्या करेंगे, ग्रिड को जो है ग्रिड कॉल्स, और यहाँ पर ग्रिड भूल चुका हूँ मैं, और LG में ग्रिड नहीं लिखा हमने, तो यहाँ पे आपको लिखना है ग्रिड डैश कॉल्स। मल्टीलाइन भी कर देता हूँ मैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। एक्सेल में भी हम क्या करेंगे, कॉलम को टारगेट कर लेंगे ग्रिड कॉल्स, और इसको एक्सेल में हम कर देंगे 4, तो 4 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। और डबल एक्सेल पे भी टारगेट कर लेता हूँ डबल एक्सेल, और इसमें भी इसको चेंज कर देंगे ग्रिड डैश कॉल्स, और इसको कर देंगे डबल एक्सेल पे 5। सेव कर लेते हैं इसको एक बार, और अभी तो कोई खास इफेक्ट हमको देखने नहीं मिल रहा है,
तो इसमें और थोड़ी सी स्टाइलिंग मैं ऐड कर देता हूँ, कंटिन्यू कर लेते हैं इसी डिव के अंदर। आप चाहे तो सेपरेट फाइल में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन हम टेलविंड का यूज़ कर रहे हैं इसीलिए मैं इनलाइन ही यूज़ कर रहा हूँ, और ज़्यादा कोई बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं अपना, तो इसमें हम कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी हमको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। उसके बाद में इसकी मैक्स विड्थ में सेट कर देता हूँ, और इसको हम कर देंगे 5 XL, जो कि हमने नैव बार में भी ऐड किया था ना, सेम हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। MX ऑटो कर देता हूँ ताकि ये अलाइन हो जाए प्रॉपर, और थोड़ी सी PY से पैडिंग दे दूंगा 4 की। सेव कर लेते हैं इसको और इसको बड़े स्क्रीन पर एक बार देख लेंगे। तो देखिए ये 4 कॉलम में बराबर से डिवाइड हो चुका है, चेक कर सकते हैं आप। तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा 4 कॉलम में, और हम क्या करेंगे इसको वापस से नॉर्मल कर देंगे स्मॉल स्क्रीन पे, यानी मोबाइल व्यू में सिर्फ एक ही शो करेगा। अब इसको हम क्या करेंगे एज अ कार्ड जो है ट्रीट कर लेंगे। तो कार्ड के अंदर चलते हैं और यहाँ पे हम जो है डिजाइनिंग कर लेंगे सबसे पहले। सो इसके अंदर आपको क्या करना है, क्लास नेम ऐड कर देना है, क्लास नेम, और इसको हम कर देंगे कर्सर पॉइंटर। स्मॉल डिवाइस पे भी इसको टारगेट कर लेंगे, सो SM, और उसमें पैडिंग दे देंगे 3 की। उसके बाद में स्मॉल डिवाइस पे होवर इफेक्ट पे हम ऐड कर देंगे, सो SM। उसके बाद में हम होवर इफेक्ट को टारगेट कर लेंगे, और होवर के अंदर हम क्या करेंगे शेडो को ऐड कर देंगे, सो शेडो। और इसमें बहुत से ऑप्शन आपको मिल जाते हैं टेलविन में, और इसका कलर चेंज कर देंगे पहले शेडो, और फिर यहाँ पे कलर का नेम आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि स्लेट, और इसको हम कर देंगे 400। तो थोड़ा सा हमको ब्लर इफेक्ट देखने मिलेगा, ब्लर पे भी बाद में काम करेंगे, और थोड़ा सा मल्टी लाइन कर देते हैं इसको। उसके बाद में हम क्या करेंगे वापस से शेडो पर काम कर लेंगे SM शेडो, और इसको कर देंगे हम मीडियम करके देख लेते हैं एक बार, ये ठीक लगा तो, नहीं तो इसको बाद में चेंज कर देंगे। और इसको राउंडेड भी कर देंगे राउंडेड LG, और बॉर्डर भी ऐड कर देता हूँ मैं स्मॉल डिवाइस पे। सो यहाँ पे आपको लिखना है SM बॉर्डर, और बॉर्डर का कलर भी आप दे सकते हैं जैसे कि SM पे टारगेट कर लेंगे बॉर्डर स्लेट 400। और साथ ही मैं इसमें ग्रुप भी ऐड कर देता हूँ मैं, ताकि बाद में हम इसको एज अ ग्रुप जो है ट्रीट कर पाए। सेव कर लेते हैं इसको एक बार, देख लेंगे कैसा दिख रहा है, रिफ्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को, और इसमें भी कोई खास इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ थोड़े से और क्लासेस ऐड कर देता हूँ उसमें, ग्रुप हो गया। ग्रुप के बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना स्मॉल डिवाइस पे थोड़ा सा स्पेसिंग और ऐड कर देंगे इसके अंदर SM मार्जिन 2। फिर ट्रांजिशन भी ऐड कर देता हूँ मैं, शेडो का इफेक्ट जो रहेगा ना वो सही से अप्लाई हो, इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड कर देंगे ट्रांजिशन शेडो। उसके बाद में ड्यूरेशन सेट कर देंगे इसकी, तो आपको लिखना है ड्यूरेशन 2 मिली सेकेंड, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको और इसको बड़ा करके एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए कार्ड कुछ इस तरीके से ये शो करेगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से कार्ड हमारे पास शो होंगे देख सकते हैं आप, और इनिशियली कुछ एम्प्टी भी शो कर रहा है, अब वो API का इशू हो सकता है, हम देखेंगे इसको फिक्स करेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और स्मॉल स्क्रीन में थोड़ा सा इशू कर रहा है ना, स्मॉल में ये शो नहीं कर रहा है बराबर से, देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है ना इस H1 को मैं रिमूव कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम क्या करेंगे पहले एक लिंक बना देंगे ताकि हम इसका डिटेल पेज भी जो है ओपन करा पाए। तो आपको क्या करना है लिंक को इम्पोर्ट करना है, तो कंट्रोल स्पेस करें, हमको इसको इम्पोर्ट करना है फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश लिंक में से, सजेशन शो करेंगे इस पर क्लिक करिए, ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका यूज कर लेंगे, तो आपको इसको क्लोज भी करना है, और इस लिंक के अंदर हम क्या करेंगे HREF को ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हमको जो है डायनेमिक लिंक को ऐड करना है, तो आप बैकटिक का यूज करें, और इसके अंदर हम क्या करेंगे इसको रिडायरेक्ट करेंगे स्लैश मूवी स्लैश, फिर उसके बाद में हमारे पास रिजल्ट्स में जो है आईडी आएंगी, उसके बेस पे हम इसको गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है result.id, और इसके बाद में हम क्या करेंगे इमेज टैग का यूज कर लेंगे, और नेक्स्ट जेएस में हमको अलग से एक इमेज का कंपोनेंट मिलता है जैसे कि सजेशन में देख सकते हैं आप, इस पर क्लिक करिए, ये भी इम्पोर्ट हो जाएगा, इसका हम यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे इमेज को जो है डिस्प्ले कराएंगे, सो SRC लिखना है, और इसके अंदर भी डायनेमिक हमारे पास पाथ रहेगा, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ पहले, और इसके अंदर आपको लिखना है https://, फिर रहेगा इमेज डॉट, उसके बाद में हम IMDB, सॉरी IMDB नहीं TMDB का यूज करने वाले हैं, tmdb.org/, उसके बाद में t/p/original/, फिर $curly braces, और यहाँ पे रिजल्ट्स में से हम गेट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है results.backdrop_path, या फिर ऑप्शनल हम यहाँ पर पैरामीटर पास कराने वाले हैं। दो तरीके से हम जो इसमें इमेज को गेट कर सकते हैं, बैकड्रॉप की मदद से भी गेट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में हमारे पास होता है result.poster_path, तो ये दो जगह से हम इसको गेट कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट जेएस इमेज यूज करेंगे ना इमेज कंपोनेंट, तो विड्थ और हाइट आपको यहाँ पर मस्ट है प्रोवाइड करना, वरना ये काम नहीं करेगा। इसमें हम 500 कर देते हैं, इसी तरीके से इसकी हाइट भी ऐड कर देंगे हम, हाइट, और हाइट को कर देंगे 300 पिक्सल, और साथ ही में अल्ट भी यहाँ पर पास करा देंगे, सो अल्ट।
अल्ट के अंदर लिख देता हूं मैं मूवी इमेज, सेव कर लेते हैं इसको एक बार। और ये एरर दे सकता है, इसको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, हमको इसको कॉन्फिग करना पड़ता है, और ये tmdb.org है सेव। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से हमको एरर देखने मिल जाएगा। ट्राई अगेन भी करेंगे तो सेम एरर है, देखिए यहाँ पर एरर शो कर रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनवैलिड src प्रॉप हमको आएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, tmdb को कॉन्फिग करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जेएस की जो कॉन्फिग की फाइल है उसके अंदर जो है इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ओपन करना है नेक्स्ट कॉन्फिग डॉट जेएस की फाइल, और एक्सपेरिमेंटल के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस और ये रहेगा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डोमेन्स को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डोमेन्स, ये रहेगा एरे, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पाथ को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है इमेज डॉट tmdb.org, ये पाथ आपको ऐड कर देना है। सेव कर लेते हैं इसको, और कॉन्फिग फाइल में अगर आप चेंजेस करेंगे तो सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सर्वर को रीस्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी शो करता है, रीस्टार्ट द सर्वर टू सी द चेंजेस। सो इसको किल कर लेंगे, क्लियर कर देता हूँ, और फिर से हम सर्वर को रन कर देंगे, npm रन टैब। और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन फिर से कंपाइल हो चुकी है, चलते हैं वापस ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पर इमेजेस बराबर से अपने पास शो हो रहे हैं, और थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं इमेज लोड होने में। तो इसके बदले आप जो है लोडिंग स्पिनर भी शो करा सकते हैं, लेकिन सक्सेसफुली फंक्शनैलिटी तो काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा स्टाइल कर देंगे इसको। तो मैं क्या करता हूँ, कार्ड के अंदर जाता हूँ, और इस इमेज को हम क्या करेंगे, कुछ क्लास नेम दे देंगे यहाँ पे, क्लास नेम। और इस क्लास नेम में हम क्या करेंगे, SM को टारगेट कर लेंगे, और SM में हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे राउंडेड। और इसमें बहुत से ऑप्शंस हमको मिल जाते हैं, जैसे कि राउंडेड टी, और इसको हम कर देंगे लार्ज। उसके बाद में जो ग्रुप हमने ऊपर डिफाइन किया था ना, उसकी मदद से अब हम इसमें स्काइल कर सकते हैं, और इसके होवर इफेक्ट पे हम जो है काम कर लेंगे। सो आपको लिखना है होवर, और इसमें ओपेसिटी हम क्या करेंगे, 50% कर देंगे या फिर 80% कर देते हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन भी ऐड कर देंगे, ट्रांजिशन, और ड्यूरेशन भी आप सेट कर सकते हैं 2 मिली सेकेंड। और साथ ही में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्लेस होल्डर भी ऐड कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें हमको नेक्स्ट जेएस में मिलती है, और आप इसमें जो ब्लर को ऐड कर सकते हैं, तो इसमें ब्लर को ऐड कर देंगे। और इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, ब्लर का URL भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्लर डेटा URL, और इसके अंदर आप कोई भी स्पिनर जो है शो करा सकते हैं। तो अभी हमारे पास तो स्पिनर है नहीं, मैं कमेंट करके छोड़ देता हूँ। आप क्या करें, इमेज जो है लोडिंग की इमेज जो है कॉपी कर लें, पब्लिक के अंदर ऐड कर दें, और डायरेक्टली हम उसका यूज कर सकते हैं बाद में। तो लेटर में लास्ट में आपको बता दूंगा, अगर इमेज लोड होने में टाइम लगाती है ना, तब तक वो स्पिनर शो करेगा। और फॉल बैक स्टाइल भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप स्टाइल लिखेंगे, और इसमें विड्थ ऐड कर देंगे, इसको कर देंगे 100%, और मैक्स विड्थ कर देता हूँ मैं नॉर्मल, तो उसको टेलविंड से मिल जाएंगी, इसके मैक्स विड्थ पे हम काम कर लेंगे। सो मैक्स विड्थ, और उसके बाद में हाइट को टारगेट कर लेंगे, इसको ऑटो कर लेंगे, सेव कर लेते हैं इसको। और मैं ये ब्लर को भी कमेंट कर देता हूँ, सेव कर लेंगे इसको, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे डिफाइन किया ना, फिर आपको मस्ट है कि आप यानी कि ब्लर डेटा URL पास कराएं। तो अभी हमारे पास है नहीं इमेज, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करके छोड़ देंगे, लेकिन आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी गिफ फाइल, SVG, लोडिंग स्पिनर की इमेज जो है आप ऐड कर सकते हैं, उसका पाथ आपको सिर्फ ऐड करना है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और देखिए ये बराबर से काम कर रहा है, और होवर इफेक्ट भी बराबर से काम कर रहा है। इस पर हम जैसे होवर करेंगे तो देखिए थोड़ा सा इसमें जो है ना 80% इसकी ओपेसिटी है, चेक कर सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, बाकी की चीजें यहाँ पर ऐड कर देंगे, चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में। और इस इमेज के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डिव ले लेंगे, सो डिव, और इसको भी क्लास दे देता हूँ मैं, क्लास नेम, पैडिंग कर देंगे 2, और यहाँ पर H2 ले लेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन शो करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिजल्ट डॉट टाइटल, या फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास टाइटल नहीं मिलता है ना, जैसे कि हमने देखा था ना एम्प्टी शो कर रहा था, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में जो भी नेम है ना उससे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो आपको लिखना है रिजल्ट डॉट नेम, सेव कर लेते हैं इसको, और इस H2 को हम क्या करेंगे बाद में स्टाइल कर देंगे। चलते हैं पहले वापस, तो देखिए यहाँ पर नेम बराबर से आ रहा है इसका, और पैराग्राफ भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो इस डिव से पहले एक पी टैग ले लेंगे हम, और इसके अंदर डिस्क्रिप्शन शो करा देंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है रिजल्ट डॉट ओवरव्यू, सेव, चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है, और काफी बड़ा आ रहा है इसमें, तो हम इसको जो है ना शॉर्ट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, इसको जो है डॉट सबस्ट्रिंग ऐड कर देना है। सबस्ट्रिंग की मदद से हम क्या करेंगे, इसको जो है शॉर्ट कर लेंगे सबस्ट्रिंग, और इसको हम कर देंगे 0 to 60 वर्ड, ठीक रहेगा, सेव कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पर एरर शो कर रहा है, चेक कर लेते हैं, डॉट सबस्ट्रिंग नहीं चल रहा है, पूरा लोअर केस में होगा आई थिंक, सबस्ट्रिंग, सेव, अब चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब बराबर से आ रहा है, सबस्ट्रिंग होके हमको मिल रहा है, और आई थिंक 60 भी ज्यादा है,
इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आगे जो है ना डॉट डॉट लगा देंगे, तो इससे हमको आइडिया रहेगा कि ये कंटिन्यूएशन में है। और इसको मैं कर देता हूँ 40, सेव। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये शो करेगा, और इस H2 को जो है ना क्लास नेम दे देंगे हम, क्लास नेम। इसको हम जो है ना बोल्ड कर देंगे, क्योंकि ये बराबर से शो नहीं कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, उसको कर लेता हूँ टेक्स्ट डैश LG फॉन्ट बोल्ड, सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये बोल्ड में नजर आएगा। अब इसके बाद में इसकी डेट भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस एक नीचे पैराग्राफ टैग को ऐड कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पी टैग ले लेंगे, और इस पी टैग में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट को शो करा देंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है रिजल्ट डॉट फर्स्ट अंडर स्कोर ईयर अंडर स्कोर डेट, या फिर हम क्या करेंगे रिलीज डेट ऐड कर देंगे। सो रिजल्ट डॉट रिलीज अंडर स्कोर डेट, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर डेट आ रही है उसकी। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितनी पॉपुलर है उसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक आइकॉन ऐड कर देंगे। सो आपको जाना है रिएक्ट आइकॉन्स पर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक आइकॉन सर्च कर लेंगे। यहाँ से मैं हार्ट का आइकॉन जो है सर्च कर लेता हूँ, और AI फील वाला जो है ना उसको कॉपी कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और इसको इम्पोर्ट कर देंगे, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट आइकॉन्स, और उसके बाद में इसको पेस्ट कर देंगे। और लाइब्रेरी हमारे पास AI की है, तो आपको यहाँ पर AI को ऐड कर देना है, और उसके बाद में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो स्पीड टैग के बाद में हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे AI फील। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे सेल्फ क्लोजिंग टैग। उसके बाद में कितने लाइक्स हैं उसको यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। तो रिजल्ट डॉट काउंट अंडर स्कोर, सॉरी वोट काउंट रहेगा, रिजल्ट डॉट वोट अंडर स्कोर काउंट, ये आपको लिखना है, तो फिर वो शो कर देगा। सेव कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है, और इसको साइड बाय साइड कर लेंगे हम। तो पी के ऊपर आप क्या करें, क्लास ऐड कर दें, क्लास नेम, और इसको हम कर देंगे फ्लेक्स, और आइटम्स को जो है सेंटर में हम कर देंगे। सो यहाँ पे आपको लिखना है आइटम्स सेंटर, और साथ ही में मैं क्या करता हूँ, इस आइकॉन को भी क्लास दे देता हूँ, क्लास नेम, और इसको फिल कर देंगे टेक्स्ट रेड, इसको कर देता हूँ मैं 500। और इस पी को यहाँ से कट करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर रैप कर लेंगे, यानी पी के अंदर दोनों ही चीजें हम शो करा देंगे, रिलीज डेट और उसके बाद में कितना काउंट है वो हम शो करा देंगे। सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये साइड बाय साइड आ चुका है, और थोड़ी सी स्पेसिंग भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि और इसके अंदर आप मार्जिन को ऐड कर सकते हैं, मार्जिन राइट ऑफ 2, सेव। तो यहाँ पे स्पेस तो नहीं मिला हमको, हम क्या कर लेंगे, ये जो मार्जिन राइट की क्लास है ना यहाँ से कट कर देंगे और डायरेक्टली आइकॉन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मार्जिन राइट ऑफ 3, और राइट नहीं इसमें तो लेफ्ट रहेगा, मार्जिन लेफ्ट से 3 कर देंगे, और राइट से भी थोड़ा सा दे देंगे मार्जिन 1, सेव करके इसको चेक कर लेंगे। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए बराबर से यहाँ पर आ रहा है, चेक कर सकते हैं आप। रिस्पॉन्सिव डिजाइन भी अगर आपको चेक करना है तो आप जो है चेक कर सकते हैं, देखिए बराबर से रिस्पॉन्सिवनेस भी काम कर रहा है, और आप अपने हिसाब से भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिलहाल तो हमारे पास सारे के सारे कार्ड्स जो है गेट हो चुके हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी एरर शो करेगा, क्योंकि ये पेज अपने पास नहीं है, तो सिंगल वाले पेज पे अभी हमको काम करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल पेज को गेट करेंगे, यानी इस पर जैसे क्लिक हो, अभी 404 का हमको एरर देखने मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर URL पैरामीटर की मदद से सारी की सारी डिटेल्स को जो है गेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, सोर्स में आपको जाना है, ऐप के अंदर हम जाएंगे और एक न्यू फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, और इसका नाम हम रखेंगे मूवी, और इस मूवी के अंदर हम क्या करेंगे आईडी के बेस पे, अब देखिए डायनेमिक हमारे पास आईडी रहेंगी। तो नेक्स्ट जेएस में क्या है, आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट की मदद से आईडी का फाइल बना सकते हैं या फिर फोल्डर बना सकते हैं, क्योंकि हम 13 यूज कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, आईडी के नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, और ये फोल्डर है, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। इस मूवी के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, और इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर आईडी लिखेंगे, और उसके बाद में इसके अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे पेज डॉट जेएस के नाम से, क्योंकि पेज के नाम से हम फाइल्स को क्रिएट करते हैं नेक्स्ट जेएस 13 में। और जैसा कि अगर आप नोटिस करेंगे यूआरएल में, तो हमारे पास है स्लैश मूवी और उसके बाद में आईडी। तो हमने मूवी का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर एक सब फोल्डर हमने बनाया आईडी के नाम से, और उसमें ये आईडी को हम गेट करने वाले हैं। अब इसको हम फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे। अब जैसे आप एक्सटेंशन का यूज करेंगे ना यहाँ पर, तो कंपोनेंट से रिलेटेड इश्यू हो सकता है, जैसे कि इसको इसका नाम नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप लिखिए RAFCE, और जैसे आप लिखेंगे ना, तो देखिए इसका नाम जो है ना पेज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको रीनेम कर देंगे और इसको करेंगे मूवी पेज, कॉपी करके आपको नीचे एक्सपोर्ट में भी सेम नाम लिखना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे पैराम्स में से गेट करेंगे डिटेल्स को। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है ना
रिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ params को। तो यहाँ पे आपको लिखना है params, और इसके बाद में एक वेरिएबल हम इसके अंदर बना लेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है const, और इसका नाम हम रखेंगे मूवी आईडी, क्योंकि इसमें हम मूवी की आईडी को गेट करेंगे। और इसको हम कहाँ से गेट करेंगे, params में से गेट करेंगे। तो आपको लिखना है params डॉट आईडी, इसमें से हम इसको गेट कर लेंगे, और इस आईडी के बेस पे हम फेच करा सकते हैं मूवी डिटेल्स को। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है ना एक H1 ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख लूंगा मूवी डिटेल्स। इतना लिख के सेव कर लेते हैं और देखते हैं ये पेज हमको देखने मिलता है या नहीं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे मूवी डिटेल्स पेज हमारे पास सही से शो कर रहा है। अब हमको 404 का एरर देखने नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें बाकी की डिटेल्स पर काम करेंगे। आईडी के बेस पे हमको इसको गेट करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एपीआई कॉल करेंगे, और इस फंक्शन को जो है ना एसिंक कर लेंगे, एसिंक फंक्शन। और इसके बाद में यहाँ पर एक फंक्शन बना देंगे, कमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता है तो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट मूवी, और यहाँ पे एक फंक्शन बना देंगे कॉन्स्ट रेस्ट इक्वल टू, फिर हम अवेट करेंगे। अवेट किस चीज़ का करना है, हम क्या करेंगे नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो फेच का हम यहाँ पे यूज करेंगे। और उसके अंदर आपको यूआरएल पैरामीटर ऐड करना है, तो डायनेमिक रखेंगे इसको https://, फिर api.themoviedb.org, फिर उसके बाद में /3/movie/ लगा के फिर आपको जो है मूवी का नेम ऐड करना है। तो हम आईडी की मदद से गेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डॉलर कर्ली ब्रेसेस, और जो मूवी आईडी है उसको पास करा देंगे, जो कि हम पैरामीटर्स में से गेट कर रहे हैं। और उसके बाद में स्लैश लगा देंगे, और फिर आपको स्लैश इन क्वेश्चन मार्क लगाना है, और उसके बाद में एपीआई की को पास करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिखेंगे एपीआई अंडरस्कोर की इक्वल टू, फिर आपकी जो एपीआई की है आपको पास करा देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोसेस डॉट ENV, फिर डॉट एपीआई अंडरस्कोर की, जो कि हमने इन्वायरमेंटल वेरिएबल में इसका नाम रखा था, और इसके बाद में इसको गेट कर लेंगे। सो यहाँ पर डबल कॉन्स्ट हो गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट मूवी इक्वल टू, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। सो आपको लिखना है रेस्ट डॉट जेसन ऑफ, तो ये जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस मूवी डिटेल्स के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ना मूवी की मदद से, यानी ये रिस्पॉन्स की मदद से हम टाइटल को गेट करके देख लेंगे, मूवी डॉट टाइटल या फिर मूवी डॉट नेम, दोनों में से जो भी आपको मिलता है तो उसको आप यहाँ पर प्रिंट करा देंगे मूवी डॉट नेम। सेव कर लेते हैं इसको और चेक कर लेंगे हमको ये मिलता है या नहीं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, एक बार फिर से हम बैक आके चेक कर लेंगे। इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, कंसोल पे कोई एरर नहीं, एरर भी नहीं है। फिर से हम एक बार कोड को देख लेंगे, H1 ऐड करके देखता हूँ मैं सिंपल के फंक्शन सही से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। सेव कर लेते हैं इसको, तो यहाँ पे मूवी तो शो कर रहा है लेकिन ये गेट नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं फंक्शन को। और यहाँ पे हमने जो है ना अवेट नहीं किया इसको, तो मूवी जब भी हम गेट करेंगे ना उससे पहले आपको अवेट लिखना है। सेव कर लेते हैं इसको और फिर से एक बार टेस्ट कर लेंगे। तो चलते हैं वापस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से कोई भी दूसरा सेलेक्ट करके देख लेंगे, जैसे कि ये वाला। तो देखिए बराबर से नेम शो कर रहा है, और ये स्टार्ट वाले में कुछ दिक्कत है आई थिंक, द लास्ट ऑफ अस ये बराबर से शो नहीं कर रहा है, तो ये एपीआई का इशू हो सकता है। तो टॉप रेटेड में से हम कोई एक कॉपी करके देखेंगे, जैसे कि इस पर क्लिक कर देता हूँ मैं, सेम नेम शो करता है या नहीं। देखिए लोडिंग स्पिनर भी आ रहा है, देखिए आ रहा है बराबर से नेम, तो ये फंक्शनलिटी परफेक्टली काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी बाकी की डिटेल्स को जो है ना शो करा देंगे, जैसे कि यहाँ पर मूवी नेम हमने शो कराया ना उसी तरीके से अब टोटल इसको रीडिजाइन कर लेंगे। तो इस डिव को मैं क्लास नेम दे देता हूँ, और इसके अंदर हम क्या करेंगे मल्टीपल क्लासेस ऐड कर देंगे ताकि इसको रिस्पॉन्सिव भी हम बना पाए। सबसे पहले इसको कर देंगे विड्थ ऑफ, फुल कर देंगे, और इसके बाद में मैं एक और डिव यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, और इस H1 को रिमूव कर देता हूँ, और इस डिव को भी हम क्लास दे देंगे क्लास नेम पैडिंग 4, और मीडियम डिवाइस पे इसको टारगेट कर लेंगे सो MD, और पैडिंग टॉप से 8 कर देंगे, और इसको फ्लेक्स भी कर देता हूँ मैं, और फ्लेक्स की डायरेक्शन भी यहाँ पर हम सेट कर देंगे, और यहाँ पर इसको कर देंगे फ्लेक्स कॉलम। उसके बाद में हम क्या करेंगे MD पे भी जो है ना थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे फ्लेक्स के लिए, इसको कर देंगे फ्लेक्स डैश रो आइटम सेंटर कर देंगे। उसके बाद में कंटेंट को भी मैं क्या करता हूँ सेंटर में कर देता हूँ, और इसकी मैक्स विड्थ हम यहाँ पर चेंज कर देंगे सो मैक्स W, और इसको हम कर देंगे 5XL, जो कि हमने नैव बार में भी किया था, सेम चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे यहाँ पे जो है ना MX ऑटो कर देंगे ताकि लेफ्ट और राइट साइड से बराबर से ये मार्जिन ले लें, और MD में हम क्या करेंगे इसको स्पेस भी दे देंगे स्पेस स्पेस X, और इसको कर देंगे 6, और उसके बाद में इमेज हम शो कराएंगे। तो इमेज हमने कार्ड में यूज़ किया था ना, तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इस इमेज को इम्पोर्ट कर दें ई को कट करके कंट्रोल स्पेस,
सजेशन शो करेगा, इसमें से आपको नेक्स्ट स्लैश इमेज वाले को टारगेट करना है और इसको इसमें से इंपोर्ट कर देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्ट के बदले यहाँ पे कर देंगे मूवी, क्योंकि मूवी का हमारे पास वेरिएबल है, रिजल्ट का हमारे पास कार्ड के अंदर था, तो यहाँ पे इसको भी मूवी कर देंगे। और हाइट और विड्थ ठीक है, आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, स्टाइल में लिखा था ना हमने, ऑटो के बदले इसको 100% आप कर सकते हैं। और क्लास नेम भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये पूरा रिमूव कर देंगे और इसके बदले रखेंगे राउंडेड LG, और एक बार सेव करके जो है ना इसको देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए इमेज बराबर से शो कर रही है। अब उसके बाद में इसकी बाकी की डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल एक डिव हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपको लिखना है एक और डिव, एक और डिव को आपको ऐड कर देना है, और इसके अंदर भी क्लास नेम हम ऐड कर देंगे, क्लास नेम, और इसको पैडिंग दे देता हूँ 2 की। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को डिस्प्ले करा देंगे, सो आपको लिखना है H2, हेडिंग के लिए हम जो है H2 का यूज कर लेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइटल को डिस्प्ले करा देंगे, तो आपको लिखना है इसमें मूवी डॉट टाइटल, या फिर ऑप्शनली हम क्या करेंगे मूवी डॉट नेम इसमें ऐड कर देंगे, दोनों में से जो भी मिला उसको ये गेट कर लेगा। इसके बाद में इसमें क्लास नेम ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट LG, और बॉटम से थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे MB3। सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है, और उसके बाद में डायरेक्ट बाकी की सारी फंक्शनैलिटी ऐड कर देंगे। जो जो चीज़ें आपको चाहिए आप क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं इस मूवी को, और उसके अंदर जितना भी रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसको वन बाय वन पढ़ सकते हैं, और जो जो चीज़ें आपको चाहिए फिर वो आप डॉट सिंटैक्स से उसको गेट कर सकते हैं, जैसे मूवी डॉट टाइटल, नेम, जैसे हमने यहाँ पर बैकड्रॉप यूज किया है, तो सारी चीजें आप जो है गेट कर सकते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, नेम भी बराबर से यहाँ पर शो कर रहा है। अब इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, तो इस H2 के बाद में आप क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग में ऐड कर देता हूँ, और इसको भी क्लास नेम दे देंगे हम, क्लास नेम, और इसको मैं कर देता हूँ, इसमें सिर्फ पैडिंग ऐड कर देंगे या फिर मार्जिन बॉटम 3 कर देता हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे हमको मार्जिन मिल जाएगा। और इसमें भी टेक्स्ट को जो है ना मैं बड़ा कर देता हूँ, टेक्स्ट LG कर देंगे, और उसके अंदर मैं एक स्पैन ऐड कर देता हूँ, स्पैन, ताकि हम हेडिंग भी शो करा पाए, और इस स्पैन को क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास नेम, और इसके अंदर हम क्या करेंगे फॉन्ट को चेंज कर देंगे, सो फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड कर देंगे इसको, और मार्जिन राइट से 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे टेक्स्ट ऐड कर देंगे ओवरव्यू, और इसके बाद में इस P में हम क्या करेंगे मूवी की मदद से जो है ओवरव्यू को गेट कर लेंगे, सो मूवी डॉट ओवरव्यू, सेव कर लेते हैं इसको और देखेंगे कैसा दिख रहा है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको इसका आउटपुट देखने मिल रहा है, और बाकी की डिटेल्स भी आप यहाँ पर फेच करा सकते हैं, जैसे कि रिलीज डेट, जितना भी लाइक्स किया था, तो वो सारी चीजें आप गेट कर सकते हैं कार्ड में, ऑलरेडी हमने इसको यूज किया हुआ है ना। देखिए ये वाला P टैग, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस P के बाद में, इस P के बाद में पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर आइकॉन भी था तो आइकॉन को भी कॉपी कर लेते हैं, ये रहा आइकॉन, इसका इम्पोर्ट भी कॉपी कर लेंगे और इसको टॉप पे पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद में रिजल्ट के बदले आपको यहाँ पे मूवी का यूज करना है, सेम यहाँ पे भी मूवी, और यहाँ पे भी मूवी कर देंगे, काउंट में सेव कर लेते हैं इसको। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। आप चाहे तो इसको मल्टीलाइन भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके नाम के आगे आप लिख सकते हैं स्पैन के अंदर, हम क्या कर लेंगे इसको जो है स्पैन में ऐड कर देंगे, और फ्लेक्स में रिमूव कर देता हूँ, और इसको जो है इससे पहले एक स्पैन को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये जो स्पैन है ना इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, रीयूज कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम बचेगा, पेस्ट, और ओवरव्यू के बदले यहाँ पे रिलीज डेट, और उसके बाद में अगेन पेस्ट कर देंगे एक और बार, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे रेटिंग कर लेंगे इसको, रेटिंग, सेव कर लेते हैं इसको और एक बार देख लेंगे कैसा दिख रहा है। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है ना रेटिंग वाले स्पैन को जो है कट कर लेंगे, और इसको डुप्लीकेट कर लेंगे एक बार इस P टैग को, और आइटम सेंटर के बदले दोनों में हम क्या करेंगे P2 कर देंगे, पैडिंग 2, इसको भी जो है P2 कर देंगे, सो P2, और यहाँ पर इस स्पैन के बदले हम क्या करेंगे आइकॉन वाला शो करा देंगे, सेव कर लेते हैं इसको। तो अब क्या होगा, थोड़ा सा हमको स्पेस भी दिखाई देगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको जो है रेटिंग भी देखने मिल जाएंगी। आप इसको साइड बाय साइड भी कर सकते हैं, सिंपल आपको इसके अंदर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी ऐड करना है और ये साइड बाय साइड हो जाएगा, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से आ जाएगा, और आइटम्स को सेंटर भी कर देंगे, सो आइटम्स डैश सेंटर सेव, तो देखिए यहाँ पे ये परफेक्टली शो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे मूवी डिटेल्स पेज भी जो है बना लिया है, आप कोई भी मूवी सेलेक्ट कर सकते हैं बैक आके,
जैसे कि और कोई हमारे पास है, जैसे कि एंट मैन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए परफेक्टली सारी डिटेल्स यहाँ पर फेच हो रही है। तो आप अपने हिसाब से भी इसमें और डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, इसका CSS मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये डार्क मोड में भी दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पर डार्क करेंगे तो डार्क में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो ऑलमोस्ट हमने हमारी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमको इसमें सिर्फ Next.js 13 का ओवरव्यू देखना था, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे डायरेक्टली जंप करेंगे तो फिर उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमने जो है पहले बेसिक देख लिया इसको। Next.js 13 को यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम Next.js 13 में एप्लीकेशन बना सकते हैं, राउटिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और कैसे हम API को फेच कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोजेक्ट था ये, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कोई भी आपको दिक्कत जाती है तो कमेंट कर सकते हैं, सोर्स कोड की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप वहां से अपने कोड को कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो, Next.js 13 थोड़ा सा स्लो है, यानी इसका कंपाइलेशन अभी बीटा में जो है काफी स्लो है, तो कभी कभार ये हैंग भी हो सकता है। सो मेक श्योर रिफ्रेश करते रहें, मैनुअल रिफ्रेश करें, डेटा फेच होने में कभी कभार टाइम भी लग सकता है। सो बस यही था इस प्रोजेक्ट में, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।